स्त्री प्रज्वलन और माल्यार्पण के लिए बनाई। ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनादन दीपो अर्थ में पाक दीप ज्योतिर्नमोस्ते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपद देश बुद्धि विनाशाय आत्मज्योतिर्नमोस्तुते समाज के भाई और बहने, आज हम श्री श्री राम साहब की सत्रहवीं पुण्यतिथि पर सब एकत्र हुए हैं। श्री श्री राम साहब हमारे प्रिय तापिया परिवार के तीसरे पीढ़ी के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। उनका जीवन हमारे सारे परिवार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। आज के दिन में याद आती है कि हमारे परिवार के बड़े बड़े बुजुर्ग लोगों ने कई सामाजिक और सेवा की संस्थाएं बनाई थी। श्री राम जी साहब का अलग ये ख्याल रहता था कि इसके कार्य चलाने में जो खर्च आता है उसमें परिवार का सब बंधु का हिस्सा होना चाहिए, सब नीचे लगनी चाहिए। यह भावना जो उन्होंने बनाई थी प्रभु की कृपा से, उनकी प्रेरणा से आज भी चलती जा रही है। हम देख रहे हैं कि जो उन्होंने परिवार के लिए बताया वही उन्होंने समाज के लिए भी यही रखा कि सारे महसी समाज को एक साथ बांध करके चलने में वो सक्षम रहे। प्रभु हम आपको आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं और प्रभु उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। धन्यवाद। Thank you.
विनती सुनो प्रभु मेरे, विनती सुनो प्रभु मेरे, जो हम भले बुरे सोते रे, जो हम भले बुरे सोते रे, विनती सब तजी तब शरणागत आयो, निज कर चरण गहे रे, सब तजी तब शरणागत आयो, निज कर चरण कहे रे, तुव प्रताप बल बदत न काहू, तुव प्रताप बल बदत न काहू, निडर भय घर चेरे, जो हम भले बुरे सोते रे, जो हम भले बुरे सोते रे, विनती और देव सब रंग भिखारी, त्यागे बहुत अनेरे, और देव सब रंग भिखारी, त्यागे बहुत अनेरे, सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा ते, पाए सुख जो घनेरे, पाए सुख जो घनेरे, जो हम भले बुरे सोते रे, विनती सुनो प्रभु मेरे, जो हम भले बुरे सोते रे, विनती विनती विनती, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। नट नागर किशोर नवल रसिया, प्यारो ब्रज को छेल कान्हा मन बसिया, प्यारो ब्रज को छेल कान्हा मन बसिया, करे कालिंदी कूल की लोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। अखियन का जल मेघ छोना सो, नट बेसर जादू टोना सो, नट बेसर जादू टोना सो,
गौरस के भरे हैं कपोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। अंगड़ाईले मृदु मुस्कने पे कजरी तिरछी बाकी चितवने पे, कजरी तिरछी बाकी चितवन पे, सुखदास बिका बिन मोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। धन्यवाद रमेश जी, जय श्री कृष्ण जी। इंग्लिश में एक सेइंग है, वेल बिगन इज हाफ डन बट बिगनिंग विद अ टेक्निकल डिस्टरबेंस इज मेरे ख्याल से फुली डन। तो अब कार्यक्रम सुंदर रूप से शुरू हो गया है। श्री श्रीराम तापड़िया स्मृति सेवा कोष के सस्टम पुष्प के प्रमुख अतिथि और आज के विचार गोष्ठी के उद्बोधक आदरणीय स्वामी डॉक्टर ज्ञान वत्सल जी, मंडल के मंत्री प्रमोद कुमार जी देवपुरा, न्यास मंडल के सभी सदस्यगण, कार्यक्रम के संचालक भाई श्री रमेश जी मर्दा, हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए श्रद्धे भाभी जी सुमन जी तापड़िया, सम्माननीय महावीर जी तापड़िया, ज्योति प्रसाद जी तापड़िया, जय किशन जी तापड़िया, जय प्रकाश जी तापड़िया एवं तापड़िया परिवार के सभी सम्माननीय सदस्य, मंडल के वरिष्ठ पूर्व अध्यक्ष पद्मश्री बापू जी श्री रामेश्वर लाल जी कावरा, मंडल के न्यास मंडल के सभी सदस्यगण, मंडल के पूर्व अध्यक्षगण एवं वर्तमान पदाधिकारी, व्यवस्थापिका सभा के सभी सदस्य, हमारे विशेष निवेदन पे जुड़े हुए अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा, मुंबई प्रदेश माहेश्वरी सभा, प्रदेश महिला सभा एवं युवा संगठन के सभी पदाधिकारी एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, मंडल के विभिन्न समितियों के सदस्य, बहनों भाइयों और साथियों, मैं अपनी एवं मंडल परिवार की ओर से आप सभी का हृदय पूर्वक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम मैं आदरणीय भाई जी श्री श्रीराम जी तापड़िया को नमन करता हूं। उनकी स्मृति चिरस्थायी बनी रहे इस उद्देश्य से मंडल द्वारा स्थापित श्री श्रीराम तापड़िया स्मृति सेवा कोष के अंतर्गत ये सस्टम विचार गोष्ठी का आयोजन है। आज का उद्बोधन का विषय है सकारात्मक सोच सुखी जीवन की कुंजी, यानी पॉजिटिविटी इज द की टू हैप्पीनेस। और उद्बोधक के रूप में हमारे बीच उपस्थित है देश के जाने माने वक्ता बैप्स स्वामीनारायण संस्था के स्वामी डॉक्टर ज्ञान वत्सल जी। श्री श्रीराम जी तापड़िया का माहेश्वरी समाज के लिए और खासकर मुंबई के समाज और माहेश्वरी प्रगति मंडल के लिए जो योगदान रहा है, इसे माहेश्वरी समाज हमेशा याद करता रहेगा और मंडल परिवार तो कभी इसे भूल ही नहीं सकता है। आप सभी को स्मरण होगा कि पहली चार विचार गोष्ठियां मंडल के भवन एवं सभागारों में सफलतापूर्वक संपन्न हुई, पर अब गत वर्ष से पेंडेमिक के चलते पंचम और आज का यह सस्टम शस्त्र पुष्प हम YouTube द्वारा और Zoom द्वारा देश में नहीं बल्कि पूरे विदेश भर में देख रहे हैं। इसकी खुशबू पूरे विदेश में फैल रही है, सब जगह फैल रही है। 2016 में प्रथम आयोजन का विषय था सार्थक जीवन का सूत्र है, तथा इसके उद्बोधनकर्ता उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश डॉक्टर श्री रमेश चंद्र जी लाउटी थे। द्वितीय आयोजन का विषय था मेरे साथ ही ऐसा क्यों, जिसका प्रस्तुतिकरण ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय की इंस्पिरेशनल स्पीकर बहन शिवानी बहन ने किया था। तृतीय आयोजन का विषय था हंसते हुए जिंदा दिली से जिए, तथा इसके स्पीकर हमारे ही समाज के राष्ट्रीय स्तर के जाने माने श्री संजय जी मालपानी थे। चतुर्थ आयोजन का विषय था योग स्वास्थ्य एवं परिवार, जिसकी प्रस्तुति योग गुरु एवं डायरेक्टर ऑफ योग इंस्टीट्यूट
डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र ने की थी। पंचम आयोजन का विषय था वर्तमान परिवेश में सामाजिक एवं आर्थिक चुनौतियां, और इसके उद्बोधन करता थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्स डेप्यूटी गवर्नर हमारे अपने ही श्री आदरणीय सुभाष जी मुंदड़ा। पहले पुष्प सार्थक जीवन के सूत्रों को अपनाने के बाद द्वितीय पुष्प में लगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तब तृतीय पुष्प को अपनाया कि क्यों ना हंसते हुए जिंदा दिली से जीवन जिया जाए, पर वो तब होगा जब हम चतुर्थ पुष्प के योग द्वारा स्वास्थ्य और परिवार का ध्यान रखें। अचानक हमारे सुखी जीवन के में परिस्थितियों में बदलाव आ गया और अनेक सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां हमारे सामने उभर कर आई, जिसका हल समाज बंधुओं ने पंचम पुष्प के द्वारा अपनाया। पर यह सब संभव तब होगा जब हमारी सोच सकारात्मक हो, और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मंडल के निवेदन को मान देते हुए आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं बैप्स स्वामीनारायण संस्था के स्वामी डॉक्टर ज्ञान वत्सल जी। मैं आप सभी की ओर से उनका स्वागत करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके वक्तव्य से हमें अवश्य ही लाभान्वित होंगे। आप अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व सभी समाज बंधुओं का स्वागत करता हूं, और आप सभी से एक निवेदन भी करता हूं कि चैट बॉक्स में ग्रीटिंग्स या अभी मत डालिएगा, कार्यक्रम खत्म होने के बाद आप डाल सकते हैं। अभी सिर्फ जो स्वामी जी का लेक्चर होगा उसके बारे में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब मैं निवेदन करता हूं हमारे आज के कार्यक्रम के संचालक मंडल के पूर्व अध्यक्ष रमेश जी मर्दा को, जिनका भाई जी के साथ सामाजिक कार्यों का दीर्घ अनुभव रहा है, वो भाई जी के जीवन वृतांत पर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद। जय महेश। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, सुंदर शब्दों में आपने स्वागत किया। स्वागत को सिरोधार्य करते हुए मुझे जो आपने आदेश दिया है भाई जी के जीवन वृतांत पर एक संक्षिप्त सा प्रकाश डालूं हूं। भाइयों और बहनों, मुझे वैसे तो आवश्यकता नहीं लगती कि मैं भाई जी के बारे में कुछ भी कहूं, पर यह मेरा सौभाग्य है। ये भी एक सौभाग्य की बात है कि कल गुरु पूर्णिमा थी और आज दो दो गुरुओं का हमें सानिध्य, एक की स्मृति जो कि हमारे सामाजिक गुरु थे भाई जी श्री राम जी तापड़िया, और दूसरे गुरुजन तो थोड़ी देर में हमारे सामने ही होंगे डॉक्टर स्वामी ज्ञान वत्सल जी, उनके लिए तो हम लालायित और इंतजार कर ही रहे हैं। तो आइए भाई जी की स्मृतियों को याद करें। महेश्वरी प्रगति मंडल एक 65 वर्ष पुरानी संस्था है। इस 65 वर्ष में करीब करीब 50 वर्ष भाई जी संलग्न रहे इस संस्था से। संस्था ने उत्तरोत्तर उन्नति की, 8000 से अधिक इस समय हमारे सदस्य हैं, दो बड़े और तीन छोटे, 5 स्थान यानी भवन महेश्वरी प्रगति मंडल के पास हैं, 32 समितियां कार्यरत रहती है, 600 से अधिक कार्यकर्ता हैं, वर्ष भर में 150 से अधिक कार्य किए जाते हैं, और मंडल ने उत्तरोत्तर उन्नति की। महेश्वरी प्रगति मंडल महेश्वरी समाज की मुंबई की एकमात्र संस्था है, और 65 वर्ष तक कोई संस्था एक रूप में निरंतर आगे बढ़ती रहे, उन्नति करती रहे, तो उसके पीछे निश्चित रूप से उस संस्था की रीति नीति, उस संस्था के उद्देश्य, उस संस्था की वो सब परंपराएं होगी जिनके कारण से ये संस्था इतनी फलित पल्वित हुई। और ये जो बात मैं कर रहा हूँ रीति नीति की, परंपराओं के, सिद्धांतों की, इनको आने में सर्वाधिक योगदान जिनका रहा वो थे भाई जी श्री राम जी तापड़िया, जिन्हें हम भाई जी के नाम से जानते हैं। भाई जी का बड़ा योगदान रहा न सिर्फ महेश्वरी प्रगति मंडल मुंबई, बल्कि यूं कहूँ कि पूरे महेश्वरी समाज में, यहाँ तक कि महासभा के अंतर्गत भी भाई जी लगातार महेश्वरी समाज को अपना मार्गदर्शन देते रहे। भाई जी का अपना एक तरीका था। प्रतिष्ठित तापड़िया औद्योगिक घराने से भाई जी संलग्न थे, औद्योगिक जगत पे भाई जी अपने आप को स्थापित किए हुए थे, LLB तक की भाई जी की शिक्षा थी। पर यह सत्यता है कि औद्योगिक घराने के इतने प्रतिष्ठित धनाढ्य वर्ग से होते हुए भी भाई जी के मन में समाज के प्रति, समाज के आम व्यक्ति के प्रति एक लगन थी, एक आम व्यक्ति के प्रति भाई जी का अपना एक प्रेम का भाव था, और वही कारण था कि महेश्वरी प्रगति मंडल की संस्था से जो भी व्यक्ति जुड़ा वो भाई जी से स्वतः ही जुड़ गया। जो व्यक्ति किसी भी रूप में महेश्वरी प्रगति मंडल से संलग्न हुआ वो भाई जी से संलग्न होता गया, क्योंकि भाई जी का एक तरीका ही ऐसा था कार्य करने का, बात करने का, सहज थे, सरल थे, मिलनसार थे, और महेश्वरी प्रगति मंडल के जनक रूप में उन्होंने जो प्रजातांत्रिक पद्धति, सामूहिक चिंतन, सामूहिक नेतृत्व, विरोधी विचारों को मान देना, सभी को सम्मान देना, और कार्यकर्ता रूप में
जो भी व्यक्ति आता है उसे आगे बढ़ाते जाना और कार्यों से सदैव संलग्न रहना और सजगता रखना, ये भाई जी के मूल मंत्र थे। इन्हीं मूल मंत्रों को धारण करते हुए महेश्वरी प्रकृति मंडल खूब आगे बढ़ा और उत्तरोत्तर आगे बढ़ता जाएगा। भाई जी की स्मृतियाँ सदैव याद रहती है और इसीलिए मेरे अपने शब्दों में ब्रह्म ऋषि होते हैं, महर्षि होते हैं, राज ऋषि होते हैं, भाई जी समाज ऋषि थे, वाकई समाज ऋषि थे। औद्योगिक प्रतिष्ठान के प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हुए भी ऋषि रूप में सामाजिक जीवन को उन्होंने जिया। सदैव याद आता है आपका सहज सरल स्वभाव, स्नेह के साथ मिलना, अपनत्व भरा व्यवहार, छोटा हो या बड़ा, श्रीमंत या साधारण, आप देते थे सभी को उतना ही मान, इसीलिए तो समाज के हृदय में आज भी है आपके प्रति अटूट सम्मान। समाज का संगठन बने मजबूत, समस्याओं से रहे हम दूर, भविष्य के प्रति आपकी सजगता रहती थी भरपूर, प्रजातांत्रिक मूल्य, सर्वानुमति, सामूहिक नेतृत्व, ऐसे सिद्धांतों की बनाई व्यवस्था, परंपरा और परिवर्तन के प्रति आपकी थी पूर्ण आस्था। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और प्रभु से करते हैं प्रार्थना, आप चिरस्थायी शांति पाए और हम आपके बताए हुए मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते जाए, हम आपके बताए हुए मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते जाए। ऐसे थे हमारे भाई जी, गुरुत्तर युग पुरुष थे, समाज ऋषि थे और हम सभी के प्रिय भाई जी थे। उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ अपनी ओर से और महेश्वरी प्रकृति मंडल और महेश्वर समाज के सभी की ओर से। जय महेश। एक और गुरुत्तर भार मेरे पास है, ये वाकई मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज उन व्यक्तित्व का परिचय देना है जिनका परिचय देना अपने सौभाग्य की बात ही मैं समझ सकता हूँ। बाकी तो निश्चित रूप से भारत ही नहीं पूरे विश्व में उनका परिचय अपने आप में जाना पहचाना है। डॉक्टर ज्ञान वत्सल जी स्वामी, आज के हमारे उद्बोधक, हमारे मार्गदर्शक, हमारे गुरुदेव। गुरु पूर्णिमा का शुभ अवसर कल ही संपन्न हुआ। सबसे पहले मैं मेरी ओर से और संपूर्ण महेश्वरी समाज की ओर से डॉक्टर ज्ञान वत्सल जी स्वामी के चरणों में वंदन करता हूँ। विद्युता ज्ञान और अनुभव के आप भंडार हैं, भारत ही नहीं USA, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अनेक मिलियंस ऑफ पीपल आपको सुनते हैं, समझते हैं और गुनते हैं। गुनते का तात्पर्य आपके मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। जीवन के सभी पहलू मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में, चाहे व्यक्ति हो, परिवार हो, सोसाइटी हो, कॉरपोरेट क्षेत्र हो या अध्यात्म के विषय हो, आप सब में महारत रखते हैं। आप जो बोलते हैं तो मंत्रमुग्ध कर देते हैं। बी मैकेनिकल VEM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वल्लभ विद्यानगर गुजरात से आपने किया, इंग्लिश, हिंदी और गुजराती तीनों भाषाओं में आपकी महारत है, तीनों भाषाओं में आपको संपूर्णता है। भगवान स्वामीनारायण के पांचवें स्पिरिचुअल सक्सेसर हिज होलीनेस प्रेमसुख स्वामी महाराज के सानिध्य में 1992 में आपने साधुत्व ग्रहण किया। इंटरप्रेटर रूप में उन्हीं के साथ में पूरे विश्व के रिलीजियस टूर में आप संलग्न रहे। बाप्स के अनेक यूथ डेवलपमेंट और सोशल कल्चरल प्रोजेक्ट्स को आपने आगे आगे बढ़ाया है। अपने आप में स्वामी जी, या यूँ कहूँ कि एक अपने आप में संस्था है, अपने आप में एक ऐसा ज्ञानपुंज है। तभी तो बाप स्वामीनारायण संस्थान के, जो कि एक सोशियो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, 60 देशों में, यूनाइटेड स्टेट में भी कॉन्सुलेटिव स्टेटस इस संस्थान को मिला हुआ है। 162 ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज़ में आप संलग्न हैं। 30 कंट्रीज़ के 25,000 से अधिक फैमिलीज़ को आपने अब तक अपने आप से जोड़ा है। 15,000 से अधिक टॉक शोज और स्पीचेस आपके हुए हैं। यदि ये कहा जाए कि मोर देन 3 मिलियन पीपल्स को आपने अब तक कनेक्ट किया है, 5,000 से अधिक वो लोग जो कि विभिन्न संस्थाओं के अग्रणी हैं, आपसे किसी न किसी रूप में जुड़े हैं। आपके की टॉपिक्स रहते हैं IQ, EQ, SQ, मैन, माई हैप्पी फैमिली, इथिक्स इन प्रोफेशन, श्योर स्टेप टू सक्सेस, वर्क लाइफ बैलेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एटीट्यूड द मास्टर की, ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जिन पर पूरा विश्व आपको बड़े गौर से सुनता है। ये सौभाग्य रहा
पूरे विश्व का ही कि विभिन्न तरह के संस्थानों ने आपको आमंत्रित किया टॉक शो के लिए, स्पीचेस के लिए, डिफेंस की संस्थाएं DRDO DRDL हुए या कि कॉरपोरेट जगत में रिलायंस इंडस्ट्रीज हुए, यंग इंडियंस हुए या WIRC हुए, IIM हो या कि मेडिकल एसोसिएशन की विभिन्न तरह की संस्थाएं हो, लोयंस, रोटरी, सोशल NGOs, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सभी में लगातार आपके टॉक शोज, स्पीचेस और आपके मार्गदर्शन चलते रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम सस्टम पुष्प के रूप में भाई जी की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में डॉक्टर ज्ञान वत्सल जी को सुनेंगे। स्वामी डॉक्टर ज्ञान वत्सल जी, सकारात्मक सोच सुखी जीवन की कुंजी, पॉजिटिव थिंकिंग ए की ऑफ लाइफ, की ऑफ हैप्पी जर्नी लाइफ, आइए इस विषय पर हम सुनते हैं बाप स्वामीनारायण संस्थान के अग्रणीय मोटिवेशनल स्पीकर, हमारे अपने सबके श्रद्धे और पूज्य डॉक्टर स्वामी ज्ञान वत्सल जी। प्रथम तो भगवान स्वामीनारायण के चरणों में वंदन के साथ, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम के चरणों में वंदन के साथ, हमारे गुरु हरे परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के चरणों में वंदन, हमारे प्रगट गुरु हरे प्रगट ब्रह्म स्वरूप परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के चरणों में वंदन। आप सभी माहेश्वरी प्रगति मंडल के सदस्य, सब पदाधिकारी, आज के कार्यक्रम के सभी निर्देशक, आप सभी को हमारे नमस्कार। जय स्वामी नारायण एंड गुड मॉर्निंग। आज मैं भी अपने आप को सौभाग्यवान समझता हूं कि महेश्वरी प्रगति मंडल अंतर्गत ये जो प्रवृत्ति चल रही है, जिस प्रवृत्ति के आदि स्थापक श्री राम जी तापड़िया, जैसे अभी बताया गया था, वे सभी रूप में थे, उनकी स्मृति में श्री राम तापड़िया स्मृति सेवा कोष का आयोजन 2015 से चल रहा है और आज ये सस्तम पुष्प में मुझे आमंत्रित किया गया, इसलिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं। श्री राम जी तापड़िया, जैसे आपने बताया, बहुत विचारशील व्यक्ति थे और सामाजिक समस्याएं या जीवन के कोई ऐसे जटिल प्रश्न हो, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, तब वो सही प्रकार के विचार से, सही प्रकार के अभिगम से, सही प्रकार के वर्तन से हम उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इस प्रकार की एक ठोस समझदारी, इस प्रकार की एक प्रगति, एक प्रतीति उनके जीवन में थी और जैसे आपने बताया उनके परिचय में, वे सभी को साथ लेके चले, सभी छोटे मोटे, सभी को मान सम्मान दिया, सभी को अपने विचार से प्रभावित कर सके और इसीलिए आज उनकी स्मृति में ये सेवा कोष का आयोजन किया गया है, ताकि ये बात हमारे सभी के जीवन में दृढ़ हो कि सही प्रकार की विचारधारा से हम जरूर अपने जीवन के और समाज के, देश के प्रश्नों का निकाल कर सकते हैं। आज इस सस्तम पुष्प में श्री राम जी तापड़िया को भी हम प्रणाम करते हैं और उनके बताए हुए राह पे आप सभी, ये आश्चर्य लेकिन बहुत खुशी की बात कि 8000 से ज्यादा सदस्य इस सेवा कोष में, इस माहेश्वरी प्रगति मंडल की प्रवृत्तियां में जुड़े हुए हैं। आप सभी को भी हमारे बहुत अभिनंदन है। आप सेवा करते रहें, श्रद्धा रखते रहें और इस प्रकार की विचारधारा और दृढ़ करते रहें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो आज का जो विषय है, सकारात्मक सोच एक सुखी जीवन की कुंजी, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग अ वे टू हैप्पी लाइफ। अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत है,
that at the end of the day, man is a bundle of his own thoughts. ये जीवन दिन के अंत में और इसीलिए जीवन के अंत में कोई भी व्यक्ति क्या है तो वे जो विचार करते रहे पूरे दिन तक वे शाम को वो बन गए पूरे जीवन तक जीवन के अंत में वो बन गए. यू बिकम वॉट यू थिंक. आप जो विचार करते हो इस प्रकार का आप बन जाते हो. तो आपको जिस प्रकार का व्यक्तित्व आपके जीवन में चाहिए जिस प्रकार का चरित्र आपको अपने जीवन में चाहिए तो उसी प्रकार की सोच उसी प्रकार की एक विचारधारा आपको अपने जीवन में अपनानी है और दृढ़ करनी है. वो विचार से कोई पठन से महापुरुषों के शब्दों से हमारे शत शास्त्र से आपकी सामाजिक प्रवृत्तियों के अनुभव से आपको ये विचारधारा विशेष दृढ़ होती है. तो मैं कहना चाहूंगा कि एक अध्यात्म की दृष्टि सामाजिक दृष्टि से आप सभी महेश्वरी प्रगति मंडल के सदस्य बहुत ही सही रास्ते पे चले हो. तो ये पॉजिटिव थिंकिंग मतलब सकारात्मक सोच जीवन में बहुत जरूरी है क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा यू आर व्हाट यू थिंक. आप जो सोचते हो वही आप बन जाते हो. तो पहली अगत्य की बात है ऑलवेज बिकम अ प्रॉस्पेरिटी थिंकर डोंट बिकम अ पॉवर्टी थिंकर. समृद्धता ही सोचना गरीबी मत सोचना. जो समृद्धता सोचता है उसके विचार कैसे होते हैं. यही सोचता है यहां कल सुबह का सूर्य मेरे लिए आशा का किरण लेके आएगा. कल सुबह कल का दिन मेरे लिए कुछ एक नई अच्छी सोच मेरे लिए कुछ एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आएगा. कल सुबह मुझे कोई एक अच्छा व्यक्ति मिलेगा जो मुझे मेरे कार्य क्षेत्र में जरूर मदद रूप होगा. इस प्रकार की सोच जब आप निष्फल परिस्थिति में हो जब आप गिरे हुए हो जब आप कमजोर हो जाते हो तभी भी रखना उसको प्रॉस्पेरिटी थिंकर बताते हैं. तो प्रथम बात इस शीर्षक के अनुसार इस विषय के अनुरूप मुझे आपसे ये शेयर करनी है कि बिकम अ प्रॉस्पेरिटी थिंकर समृद्धता ही सोचना. यस टुमारो मॉर्निंग इज माय डे. गरीबी मत सोचना अरे यार क्या होगा अरे यार मर गए अगे यार अरे यार कुछ साथ सहकार नहीं मिल रहा है परिस्थिति बहुत गंभीर है कल कोई मुझे साथ देगा कि नहीं देगा. इस प्रकार की सोच आप रखेंगे तो हमेशा नेगेटिव वाइब्स आपके अंतर में प्रवर्तमान रहेंगे. कोई अच्छे विचार भी नहीं आएंगे कोई अच्छी क्रिया भी आप नहीं कर पाएंगे आपका अभिगम भी नेगेटिव हो जाएगा. आपकी अभिव्यक्ति और आपका वर्तन दोनों संपूर्णतः नेगेटिव बन जाएगा नकारात्मक हो जाएगा. तो हमेशा प्रॉस्पेरिटी थिंकर बनना. यस देयर इज ऑलवेज होप. आशा कभी मरती नहीं है. आशावादी रहना वो हमारा एक फर्ज सिर्फ नहीं है एक मनुष्य का कर्तव्य है. सिर्फ कर्तव्य नहीं है मनुष्य का गौरव भी है. इट इज नॉट जस्ट अ ह्यूमन ड्यूटी इट्स अ ह्यूमन एंडेवर. इट इज नॉट जस्ट अ ह्यूमन एंडेवर इट इज अ ह्यूमन डिग्निटी हमारा गौरव है. तो मनुष्य का सबसे बड़ा गौरव है सकारात्मक सोच. फिर से ये वाक्य दोहराना चाहूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ये वाक्य ये शब्द अपने हृदय में घर कर लें कि मनुष्य का सबसे बड़ा गौरव यह है कि वो हमेशा सकारात्मक रहे. मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि वे हमेशा सकारात्मक रहे. इवन इन द वर्स्ट ऑफ सिचुएशंस रिमेन पॉजिटिव. इवन व्हेन नोबडी इज सपोर्टिंग यू रिमेन पॉजिटिव क्योंकि सकारात्मक सोच आपका जन्मसिद्ध अधिकार है. इट इज योर बर्थ राइट. इससे कभी पीछे मत हटना क्योंकि यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है सकारात्मक सोच. पहली बात यह है बिकम अ प्रॉस्पेरिटी थिंकर डोंट बिकम अ पॉवर्टी थिंकर. दूसरी बात मैं अपने आप में कहां कोई सकारात्मक परिवर्तन लाऊं ताकि
मैं अपने इकोसिस्टम में अच्छी तरह से बैठ सकूं, ये दूसरी बात है. वेयर कैन आई मेक अ स्मॉल पॉजिटिव चेंज सो दैट आई कैन बेटर फिट माय इकोसिस्टम. इकोसिस्टम में आपका परिवार आता है, आपके वर्किंग कलीग्स आते हैं, आपके सामाजिक संबंध आते हैं, आपके मित्र मंडल आते हैं, उसमें मैं अच्छी तरह से फिट हो सकूं, उन सभी को मैं अनुकूल हो सकूं. जैसे अभी श्री राम जी तापड़िया के परिचय में एक बात बताई जो मुझे बहुत अच्छी लगी, शायद अजय जी ने बताई थी या रमेश जी ने बताई थी, लेकिन श्री राम जी हमेशा ये सोचते थे. एक अच्छा शब्द प्रयोग उन्होंने किया था कि विरोध विचारधारा को भी अपना सकते थे. बहुत अच्छी बात बताई मुझे उनके परिचय में, शायद सबसे अच्छी बात जो लगी हो वो ये है. वेयर कैन आई मेक अ पॉजिटिव चेंज सो कैन आई कैन फिट द सिस्टम. मैं लोगों को अनुकूल हो सकूं, मैं परिस्थिति को अनुकूल हो सकूं, इस प्रकार का थोड़ा सा बदलाव मेरी दिनचर्या में, मेरी आदत में, मेरी सोच में, मेरे अभिगम में, मेरी अभिव्यक्ति में मैं ला सकता हूं. ये होना बहुत जरूरी है. 1986 में एक अच्छा प्रसंग आपसे शेयर करना चाहूंगा कि हमारे वर्तमान गुरु हरि परम पूज्य महंत स्वामी महाराज और संत मंडल प्रदेश विदेश धर्म यात्रा पे पधारे थे. मुख्य मकसद तो ये था कि हम जो स्वामीनारायण अक्षरधाम बना रहे थे उस वक्त गांधीनगर गुजरात में, आप सभी ने शायद देखा होगा गांधीनगर में या दिल्ली में जो स्वामीनारायण अक्षरधाम बना है आप सभी ने शायद देखा होगा, उसका निर्माण कार्य चल रहा था. उसको लेकर के वे कई देशों में बड़े शहरों में वहां जो म्यूजियम होते हैं वे देखने के लिए गए थे ताकि हम स्वामीनारायण अक्षरधाम में अच्छी तरह से अपनी बात किस तरह से प्रदर्शित कर सके. म्यूजियम के क्यूरेटर्स को भी मिलते थे, उनके साथ कुछ चर्चा विमर्श करते थे ताकि उनके पास से भी अच्छे विचार प्राप्त हो. तो वैसे चलते चलते परम पूज्य महंत स्वामी महाराज और संत मंडल वहां जर्मनी में स्टटगार्ट पधारे. स्टटगार्ट में मर्सिडीज बेंज गाड़ी बनती है जो दुनिया की एक वेरी लग्जूरियस कार के रूप में मानी जाती है. लोग प्रतिष्ठा समझते हैं जब मर्सिडीज के ओनर होते हैं. वहां के पीआर गाइड ने परम पूज्य महंत स्वामी महाराज और संत मंडल को लेके सब प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बताए. बताते बताते वे बार बार एक बात दोहराते थे कि हम जो भी बदलाव करते हैं मर्सिडीज गाड़ी में, जो अपग्रेड करते हैं वर्जन, उसमें अहम बात यह रखते हैं कि अगर कोई एक्सीडेंट हो, इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, ड्राइवर की जान बच जानी चाहिए, साथ ही पैसेंजर्स की जान बच जानी चाहिए, यही मुख्य इरादा हम रखते हैं. ये बात करते करते एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में उन्होंने ये बात बताई कि हम जो इस बार जो नई मर्सिडीज गाड़ी बनाते हैं उसमें हमने ये एक टेक्नोलॉजी इंक्लूड की है कि इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट हुआ तो एक बलून है वो स्टीयरिंग से निकलता है और स्टीयरिंग और ड्राइवर की छाती के बीच वो बलून आ जाता है, कुशन बन जाता है, ताकि वो स्टीयरिंग ड्राइवर की छाती में घुस न जाए, उनकी हड्डियां ना तोड़ दे, उनके फेफड़े ना तोड़ दे और उसकी जान बच जाए. ये बहुत बड़ा आश्चर्य था उस वक्त. आज तो कई प्रकार की गाड़ियों में ये मिलता है, लेकिन उस वक्त 1986 में ये एक बड़ी बात थी. हमारे सभी संत प्रभावित हुए. उसमें से एक संत ने साहजी के प्रश्न पूछा कि एक्चुअली हु क्रिएट्स द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट कौन करता है, गाड़ी करती है, ड्राइवर करता है? ये सोच में पड़ गए. फिर वो पीआर गाइड ने बताया, नहीं स्वामी जी, एक्सीडेंट तो ड्राइवर करता है, गाड़ी तो नहीं करती, ड्राइवर ही निर्णय लेता है. कोई मिसजजमेंट हुआ, कोई इमोशनल कैरी अवे हुआ, कोई वहां रेडियो में कोई सॉन्ग चल रहा है उसमें कुछ ज्यादा चल बसा, तो एक्सीडेंट तो ड्राइवर करता है, गाड़ी तो करती नहीं. तो दूसरा प्रश्न हमारे संत ने पूछा कि ज्यादा बदलाव कहाँ करना है, ड्राइवर में करना है या गाड़ी में करना है? फिर हमारे संत ने कहा, मानते हैं जरूर ड्राइवर गाड़ी में करना ही चाहिए, अपग्रेड तो होनी चाहिए टेक्नोलॉजी. देखो टेक्नोलॉजी की वजह से हम एक दूसरे को देख सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, एक अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, ये टेक्नोलॉजी की बदौलत है.
लेकिन साथ साथ में मनुष्य में भी बदलाव आना बहुत जरूरी है। अगर आप ये मान के बैठे हो कि मैं बहुत ठीक हूं, मेरे विचार के अनुसार सब परिवार जन चले तो सभी सुखी हो जाएंगे, हमारे आदि गुरु गुणातीत स्वामी ने ये बात बताई है, सब लोग ऐसा ही समझते हैं कि मेरे विचार दृष्टि से सब चले तो सब सुखी हो जाएंगे, लेकिन सब सब कोई लोग ऐसी बात सोचते हैं? नहीं। मैं कहां अपने आप में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता हूं, पॉजिटिव चेंज ला सकता हूं, ताकि मैं अपने परिवार में, अपने मित्र मंडल में, अपने समाज में, अपने वर्किंग कलीग्स के बीच अच्छी तरह से सभी को अनुकूल होके फिट हो सकूं। देयर कैन आई मेक अ स्मॉल पॉजिटिव चेंज सो दैट आई कैन बेटर फिट माई इकोसिस्टम। हम तो लोग यही मान के बैठे हैं कि नहीं, मेरे में कोई बदलाव की जरूरत है ही नहीं, मेरी सोच ठीक ही है, सभी को मुझे ही अनुकूल होना है। भाई साहब, आप अपने आप को आईना में देखें या अपने स्पाउस को पूछें, अगर आपके बच्चे बड़े हो तो उनको प्रेम से पूछे ऐसे ही बातों बातों में, तो वे लोग आपको बताएंगे, आईना दिखाएंगे कि यहाँ पिताजी आपको यहाँ कुछ बदलाव लाना है। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में जब जहां मैं पढ़ा, बीबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज वाला विद्यानगर में, वहां का एक अच्छा प्रसंग है, इसे विषय पे आपसे शेयर करना चाहूंगा। वहां हमारे प्रोफेसर थे जुन्नारकर, जिनकी इंजीनियरिंग में पुस्तक भी आज तक पढ़ी जाती है, सिखाई जाती है। प्रोफेसर जुन्नारकर बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत नॉलेजेबल थे अपने फील्ड में, सिविल इंजीनियरिंग में। तो प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी थे, उनके प्रथम सेमेस्टर थी, तो प्रथम ही परीक्षा में, इंटरनल परीक्षा में उन्होंने जब पेपर निकाला, पूरी क्लास 40 के 40 सभी फेल हो गए। जुन्नारकर साहब के लिए भी आश्चर्य था, सभी विद्यार्थी के लिए भी आश्चर्य था, कॉलेज के लिए भी आश्चर्य था। तो जब वे सभी के आंसर शीट्स लेके क्लास में आए, सभी विद्यार्थी को आंसर शीट्स दिखाते हैं कि आप देख लो कि आपने कहां गलती की है, ताकि अब दूसरी बार अच्छी तरह से उसमें सुधार करके आप अपने आप को अभिव्यक्त कर सके। सभी को आंसर शीट्स थी, लेकिन वे माउंट बैठ गए, अंदर उतर गए, गंभीर स्वरूप धारण कर लिया। प्रोफेसर जुन्नारकर के आंख में आंसू आ गए। सब विद्यार्थी को यह था कि क्लास में साहब आए, आंसर शीट्स लेके आएंगे, एक एक को खड़ा करके डांटेंगे, एक एक की आंसर शीट सभी क्लास में सभी को बताएंगे, इस प्रकार की क्या भूल करते हैं आप, इंजीनियरिंग के लायक हो क्या, इस प्रकार की डांट आज सबको खानी पड़ेगी। लेकिन प्रोफेसर जुन्नारकर क्या बोले, देखो ये हमारा प्रवचन का विषय आता है, सकारात्मक सोच, और उस अंतर्गत हम क्या सब टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, मैं कहां अपने आप में बदलाव ला सकता हूं। तो प्रोफेसर जुन्नारकर ये बोले आंख में आंसू के साथ कि आई डोंट अंडरस्टैंड वेर इज द फॉल्ट इन माई टीचिंग, आई डोंट अंडरस्टैंड वेर आई नीड टू इम्प्रूव। सभी विद्यार्थी ने जब ये सुना, उनके आंख में भी आंसू आ गए कि नहीं साहब, आप तो ठीक ही पढ़ा रहे हो, आपको तो 20-25 साल का अनुभव है ये कॉलेज में, आपके हाथ के नीचे तो आज तक 25-30 बैच ने ग्रेजुएशन पूरा किया है, सर बदलाव हमें लाना है। इस प्रकार के सीनियर प्रोफेसर की ये वाणी, रोते रोते क्लास में विद्यार्थी के सामने कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरी शिक्षण पद्धति में कहां मुझे बदलाव लाना है, ये परिणाम मुझे मान्य नहीं है, 40 विद्यार्थी क्लास में सभी फेल हुए। उस दिन से सभी विद्यार्थी ने यह तय किया कि अगली परीक्षा में, नेक्स्ट एग्जाम्स में, हम इस प्रकार की तैयारी करेंगे कि हम प्रोफेसर जुन्नारकर के आंखों में हर्ष आंसू देखेंगे, दुख के आंसू नहीं। से प्रवचन का दूसरा विभाग, सुखी जीवन की कूची। विद्यार्थियों ने यह तय किया, प्रोफेसर जुन्नारकर ने भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिए, और नेक्स्ट परीक्षा में
सभी विद्यार्थी अच्छे गुण के साथ उत्तीर्ण हुए, हुए ना सब सुखी। तो सुखी जीवन की कुंजी क्या है? सकारात्मक सोच। और सकारात्मक सोच में पहली बात हमने प्रॉस्पेरिटी थिंकिंग की बताई, दूसरी बात ये बताई कि मैं अपने आप में कहां बदलाव ला सकता हूं ताकि मैं अपने इकोसिस्टम में अच्छी तरह से फिट हो सकूं। Where can I make a small change? तो ये प्रवचन के बाद आज की इस सभा के बाद, इस सेशन के बाद आप शांति से एक पीस ऑफ पेपर और पेन लेके बैठना कि मेरी दिनचर्या में, मेरी आदतों में मैं ये एक छोटा सा बदलाव लाना चाहता हूं पॉजिटिव। तो ये सकारात्मक सोच से हम अच्छी तरह से अपने आप को संभाल सकते हैं, अपने कार्य क्षेत्र को संभाल सकते हैं, अपने लोगों को संभाल सकते हैं, अपनी संस्था में अच्छी सेवा कर सकते हैं। सकारात्मक सोच। हमारे गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज जिनकी जन्म शताब्दी अभी हम मना रहे हैं, अगले साल 2022 में दिसंबर महीने में 34 दिन का बहुत बड़ा उत्सव अहमदाबाद गुजरात में मनाया जाएगा और इसी माध्यम से आप सभी को हम निमंत्रण करना भी चाहेंगे, आप जरूर पधारना। लेकिन उनके जीवन में सकारात्मक सोच कैसी थी? जैसे आपने बताया कि श्री राम जी तापड़िया दशकों तक इस संस्था के प्रमुख रहे और सभी का संवर्धन किया, सभी प्रवृत्तियों को गति दी, उसी तरह हमारे गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज भी 65 साल तक इस संस्था के प्रमुख रहे। 1950 में वे इस संस्था के प्रमुख बने थे, 2016 में वे जब स्वधाम पधारे तब तक वे इस संस्था के प्रमुख थे। नो इलेक्शन, नो कॉन्टेस्टिंग, नो अपोजिशन, नो कॉन्ट्रोवर्सी, अनचैलेंज्ड। हमारे सभी के हृदय में यही भावना थी कि वे जीवन भर हमारे प्रमुख रहे। उसका एक बहुत बड़ा कारण था, कई कारण थे, लेकिन एक बड़ा कारण था जो आज के विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, सकारात्मक सोच। किस प्रकार की सकारात्मक सोच उनकी थी? और ऐसे सभी महापुरुष के जीवन में होती है। मैंने 400 से ज्यादा जीवन चरित्र पढ़े हैं, प्रमुख स्वामी महाराज, नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन, विंस्टन चर्चिल, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सचिन तेंदुलकर, इन सभी के जीवन में से एक बहुत बड़ी बात अगर हमको सीखनी है तो वो है सकारात्मक सोच। कैसे, मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रमुख स्वामी महाराज ने ये बीएपीए संस्था के अंतर्गत सामाजिक उत्कर्ष के लिए 162 प्रकार की प्रवृत्तियां चलाई, सामाजिक, शैक्षणिक, तबीबी, पर्यावरण लक्षी, नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक प्रवृत्तियां चलाई और 65 साल तक प्रमुख रहे। तो क्या छोटे मोटे प्रश्न नहीं आए होंगे? छोटी मोटी तकलीफ नहीं आई होगी? सब कुछ आया, सभी कुछ उन्होंने देखा है। इसके बीच भी हमेशा सकारात्मक रहे। एक प्रसंग उनके जीवन का आपसे शेयर करना चाहूंगा। प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने गुरु योगी जी महाराज के संकल्प अनुसार लंदन में, इंग्लैंड में एक बड़ा शिखरबद्ध मंदिर सफेद आरस का बनाने का तय किया। तो बीएपीए संस्था ने लंदन में, लंदन के एक एरिया है हैरो, वहां एक जमीन खरीदी, वहां ये मंदिर बनाना था। लीगल परमिशंस एक के बाद क्लियर होती जा रही थी, लेकिन पड़ोस में, बगल में रहने वाले सभी लोगों ने बीएपीए संस्था के विरुद्ध में वहां लंदन की कोर्ट में केस दर्ज करवाया। और केस में उन्होंने क्या कहा कि यहां बड़ा अगर मंदिर बनेगा, रात को 12 बजे तक ये लोग घंट बजाएंगे, हमारी पीस और प्राइवेसी चली जाएगी, तो आप ये मंदिर की लीगल अनुमति न दे। उनकी ओर से भी कोई ताकतवर लॉयर था, हमारी ओर से भी कोई ताकतवर लॉयर था। केस चला, एक सिग्नेचर कैंपेन चला पड़ोस में, वे लोग सिग्नेचर कलेक्ट कर रहे थे, हम लोग भी सिग्नेचर कलेक्ट कर रहे थे, लेकिन सभी प्रोसेस के बाद अंतिम परिणाम यह आया कि लंदन की कोर्ट ने यह फैसला दिया
ये बीएपीएस संस्था वहां मंदिर नहीं कर सकती है, ये फुल एंड फाइनल जजमेंट है। अब ये बहुत निराशाजनक समाचार है, दिस वाज अ सेटबैक, अ सीवियर सेटबैक। प्रमुख स्वामी महाराज यहां गुजरात में बड़ौदा में थे जब ये फैसला लंदन की कोर्ट ने लंदन में सुनाया। वहां से हमारे मुख्य ट्रस्टी श्री सीएम पटेल साहब ने प्रमुख स्वामी महाराज को सभी ट्रस्टी की ओर से सभी को वहीं साथ बैठ के चर्चा करने के बाद प्रमुख स्वामी महाराज को फोन किया कि स्वामी हम केस हार गए हैं और हम वहां मंदिर नहीं बना सकेंगे। देखो प्रमुख स्वामी महाराज की सकारात्मक सोच, जब हम व्यवसाय करते हैं इस प्रकार के समाचार आना संभव है, हाँ या ना? जब हम समाज के साथ जुड़े हैं इस प्रकार की परिस्थिति हमारे जीवन में खड़ी होना संभव है, जिसको हम अंग्रेजी में सेटबैक बोलते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज ने जब ये समाचार सुने तब उनकी आंखों के सामने अपना स्वप्न टूटा हुआ उनको दिखता था। प्रमुख स्वामी महाराज ने जब ये समाचार सुने तब उनकी आंखों के सामने एक बहुत बड़ी सेवा, समाज सेवा की एक अपॉर्चुनिटी टूटती हुई दिखाई दे रही थी। प्रमुख स्वामी महाराज ने जब ये समाचार सुने तब अपनी आंखों के सामने लंदन के हमारे हजारों हरिभक्त का रुदन, आंख के आंसू सुनाई दिखाई दे रहे थे। लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज उस वक्त कितने सकारात्मक रहे। जब ये समाचार सुने तब प्रथम वाक्य प्रमुख स्वामी महाराज बोले, जैसी भगवान की इच्छा। देखो स्वीकार कर लिया। सकारात्मक सोच में प्रथम ये बात आती है कि आप इस प्रकार की बात जो आपको अच्छी नहीं लगती है लेकिन एक वास्तविकता बन के आपके सामने खड़ी है, एक हकीकत बन के आपके सामने आई है, उसका आप अच्छी तरह से स्वीकार कर, एक्सेप्ट इट। एक्सेप्टेंस कैन रिड्यूस द स्ट्रेस लेवल, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। प्रमुख स्वामी महाराज ने स्वीकार कर लिया कि जैसी भगवान की इच्छा। दूसरा वाक्य वे बोले, ताकि इस विचार से अपने आप को स्थिर कर लिया। दूसरा वाक्य वे बोले कि हमने अपना पुरुषार्थ कर लिया था, अब जो भी परिणाम आया हम स्वीकार कर लेते हैं। ये सकारात्मक सोच है, टू कीप योरसेल्फ हैप्पी। अगर आप स्वीकार नहीं करते हैं परिस्थिति का या कोई निर्णय का, कोई फैसले का या कोई संजोग का, तो आप दुखी रहेंगे। मेरे जीवन में ये क्यों बना, नहीं बनना चाहिए था। मेरे साथ ये क्यों हुआ, नहीं होना था। अरे भाई साहब, आपके जीवन में ये नहीं बनना था, आपके जीवन में ये परिस्थिति नहीं आनी थी लेकिन अब आ गई है, तो क्या करेंगे? रोना है, सो जाना है, आत्महत्या करनी है, करना क्या है आप सोच ले। उस वक्त ये महापुरुष सभी के जीवन चरित्र में हमने देखा है कि वे और ताकत से खड़े हुए हैं। They stood up with more strength, with a firm decision. प्रमुख स्वामी महाराज ने दूसरी बात ये कही कि हमने अपना पुरुषार्थ कर लिया था, अब जो भी परिणाम है हम स्वीकार कर लेते। लेकिन तीसरी बात जो सकारात्मक सोच का शिखर था, प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि हमने सबने साथ में बैठ के ये तय किया है कि हमें लंदन में एक बड़ा मंदिर बनाना है, भारतीय संस्कृति का एक आदर्श दर्शन लोगों को करवाना है। हमने तय किया है तो हम जरूर करेंगे, इस निर्णय से हम पीछे नहीं हटते हैं। आज का जो फैसला कोर्ट का है मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, और कोई जगह ढूंढना चालू कर दो, ये जगह नहीं तो और कोई जगह पे हम बनाएंगे, लेकिन जरूर बनाएंगे। द डिटर्मिनेशन इज सकारात्मक सोच, इससे व्यक्ति सुखी होता है, इससे संस्था आगे बढ़ती है, इससे आपका सेवा का विस्तार बढ़ता है। और जगह ढूंढनी चालू कर दी, निस्तन में मिली जगह, वहां सिर्फ 2.5 साल में प्रमुख स्वामी महाराज ने संगमरमर का बहुत बड़ा अद्भुत मंदिर खड़ा किया, उसके बेसमेंट में भारतीय संस्कृति का एक प्रदर्शन रखा, और जिस दिन उद्घाटन किया उस दिन 1995 में रीडर्स डाइजेस्ट ने लिखा कि इट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की 8वीं अजायबी। आज लंदन या इंग्लैंड की एक भी स्कूल बाकी नहीं है जहां के विद्यार्थी वहां एक स्टडी टूर में ना आए हो।
एक भी कॉलेज बाकी नहीं है जहां के विद्यार्थी वहां एक स्टडी टूर में ना आए हो। देश प्रदेश से जब अंतरराष्ट्रीय कोई बड़ी व्यक्ति आती है इंग्लैंड में, तब उनके कार्यक्रम में एक टॉप एजेंडा रहता है विजिटिंग द स्वामीनारायण मंदिर एट निजदा। और आज उस मंदिर की वजह से हजारों लोगों ने व्यसन छोड़ा है, उस मंदिर की वजह से हजारों भारतीय परिवार जो वहां बसे हुए हैं, पीढ़ियों से वहां रहते हैं, उनके अपने देश के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति एक लगाव बना है, एक प्रीति पैदा हुई है अंतर में। आज हजारों परिवार के बच्चे जो वहां पैदा हुए बॉर्न ब्रिटिश सिटीजन हैं, लेकिन उनके जीवन में भारतीय संस्कृति के प्रति आदर, उनके जीवन में हमारे सनातन धर्म के संस्कार वो दृढ़ हुए हैं इस मंदिर की वजह से। इस मंदिर से कई प्रकार की सेवा प्रवृत्ति चल रही है। अभी कोरोना के वक्त उस मंदिर से हजारों ऑक्सीजन कंटेनर भारत आए, दिल्ली आए, गुजरात आए, और छोटी छोटी हॉस्पिटल्स में तालुका लेवल पे हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन किया और हजारों लोगों की जान बची। वो ये लंदन मंदिर से सेवा प्रवृत्ति हुई है। ये प्रमुख साईं महाराज का कार्य। ऐसी 1300 संस्था, हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, संस्कार धाम, संस्कार केंद्र प्रमुख साईं महाराज ने बनाए, लेकिन इस सकारात्मक सोच से। तो ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट में ऐसी बात आती है, लेकिन ये तीन बात याद रखना, जब जब विरोध होता है, नकारात्मक बातें आती है आपके सामने, हताशा निराशा में आप घर का हो जाते हो, इस प्रकार के संजोग खड़े होते हैं, तब ये तीन बात जो प्रमुख सिंह महाराज ने बताई, पहले जैसी भगवान की इच्छा मतलब स्वीकार, दूसरी बात हमने अपना प्रयत्न कर लिया था, पुरुषार्थ कर लिया था, उसमें कोई कमी नहीं रखी थी, अब जो भी परिणाम आए हम स्वीकार कर लेते ताकि अपने आप में आप स्थिर हो जाओ, और तीसरी बात हमने तय किया है करना है तो जरूर करना है, करेंगे। दैट डिटर्मिनेशन, वो दृढ़ाव, वो निश्चय, ये इसको सकारात्मक सोच बोलते हैं। इस सकारात्मक सोच से आप बड़ा अच्छा कार्य कर सकते हो। चौथी बात आपसे शेयर करनी है, संजोग और परिस्थिति उसको आप ताकतवर बनाते हो, संजोग और परिस्थिति को आप अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल कभी मत देना। We have given our remote control to situations and circumstances. क्या जिस प्रकार का नाच सुबह में हमें ये परिस्थिति नचाए, उस प्रकार से हमें जीवन में नाचना है? नहीं। I will dance to my tune, not the tune of circumstances. संजोग और परिस्थिति जो संगीत बजाए वैसा मैं नहीं नाचूंगा। मैंने जो विचार किया है, मैंने जो दृढ़ संकल्प किया है, मैंने अपने भविष्य के लिए जो निर्धार किया है, जिस रास्ते पे मैं चला हूं उसी अनुसार मैं नाचूंगा। I will not subdue myself to situations and circumstances. ये एक निर्णय होता है तो भगवान की कृपा से मनुष्य के दिमाग में बहुत रिसोर्सेज रखे हैं, विचार आने शुरू हो जाएंगे, रास्ते मिलना शुरू हो जाएंगे। एक अच्छा प्रसंग आपसे शेयर करना चाहूंगा। जब प्रथम लॉकडाउन मार्च 2020 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया, तब सभी लोग वापस अपने घर जा रहे थे, अलग राज्य में काम करते हो अपने अपने राज्य में घर में वापस जा रहे थे। कई लोग ऐसे थे कि अपने घर से 2-3 राज्य दूर काम कर रहे थे, वो लोग नहीं घर जा पाए, स्ट्रैंडेड हो गए। उनमें से IIT मंडी के विद्यार्थी थे, हिमाचल प्रदेश में मंडी है, वहां IIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वहां के कुछ विद्यार्थी दक्षिण भारत से वहां एडमिशन लेके आए थे, वे अपने घर नहीं जा पाए क्योंकि उनको कनेक्टिविटी नहीं मिली। कुछ प्रोफेसर टीचर्स ऐसे थे, वे भी नहीं घर जा पाए, और लॉकडाउन था 21 दिन का, और संभव था कि और 2-3 लॉकडाउन आएंगे क्योंकि यूरोप में हुआ था, अमेरिका में हुआ था, तो दूसरा, तीसरा, चौथा लॉकडाउन जरूर आएगा। तो अब क्या करें? एक तो दिन गए, सबने सोचा कि यार ऐसे ही बैठे रहेंगे तो हम ऐसे ही अपनी शक्ति गंवा देंगे, अपने विचार कमजोर हो जाएंगे। लेट अस डू समथिंग। ये सकारात्मक सोच है। जीवन की खुशी इसमें रही है कि जब परिस्थिति प्रतिकूल हो तब मेरे पास जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, मेरे पास जो नोहाव है, मेरे पास जो सपोर्ट सिस्टम है,
मेरे पास जो प्लेटफॉर्म है, मेरे पास जो बैक सपोर्ट सिस्टम है, उन सभी का इस्तेमाल करते हुए जो श्रेष्ठ सर्जन मेरे से होगा मैं करने का प्रयत्न करूंगा। ये चौथी बात है सकारात्मक सोच में, तो आप कर पाएंगे, सिद्धियां हासिल कर पाएंगे और उस परिस्थिति से कूद के बाहर आ जाएंगे। तो आईआईटी मंडी के टीचर्स और प्रोफेसर्स ने, विद्यार्थी ने, सबने साथ में बैठ के सोचा, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किया कि क्या कर सकते हैं हम यार, इफ वी रेस्ट वी रस्ट, बैठना नहीं है। एक विद्यार्थी ने कुछ सुझाव दिया कि भारत में मास्क हम बन रहे हैं, हम क्या है 95 क्वालिटी का मास्क बना सकते हैं। किसी ने कहा हाँ एक अच्छी है बात है, अफोर्डेबल होना चाहिए, चीप होना चाहिए, आम आदमी को हम आम आदमी खरीद सके, इस प्रकार का हम बनाना चाहेंगे। चलो ये एक बात तय हुई। तो दूसरा प्रश्न आया मटेरियल क्या यूज करेंगे, तो ये भी सोच आई कि वेस्ट मटेरियल से बनाएं। तो मेरे आपके जैसे कोई होगा थोड़ा नकारात्मक जैसा होगा, उसने कहा कि यार वेस्ट मटेरियल से तो मास्क बनता है क्या, यहां से मास्क से सांस लेना है, ऑक्सीजन लेना है और आप ये कहते हो कि वेस्ट मटेरियल से ये मास्क बनाना है, कैसे आपकी सोच है। किसी ने कहा नहीं यार एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाए, वेस्ट मटेरियल से ही बनाना है, एनवायरमेंट फ्रेंडली मास्क बनाना है, वो भी चीप होना चाहिए और वो भी N95 की क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि ये तो IIT का स्टूडेंट्स है ना। आज बहुत बड़ी संख्या में माइक्रोसॉफ्ट में, नासा में, गूगल में IIT का स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, बुद्धिशाली है। फिर ये कहते कहते ये बात कहते आए कि हम जो वेस्ट वाटर बॉटल्स होती है, जो हम मिनरल वाटर पीते हैं और बोतल जो डाल देते हैं ट्रैश में, उसका जो प्लास्टिक है ना, उस प्लास्टिक में से हम मास्क बनाएंगे। सुना आपने मैंने आपको क्या कहा, प्लास्टिक की जो वाटर बॉटल्स होती हैं, मिनरल वाटर हम पीते हैं और पीने के बाद फेंक देते हैं, तो उस प्लास्टिक से हम फेस मास्क बनाएंगे। क्या सकारात्मक सोच। फिर तो सॉल्यूशंस प्रिपेयर किए केमिस्ट्री लैब में, कैंपस के बाहर लॉकडाउन था, कैंपस के अंदर तो आप घूम सकते थे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में, कॉलेज बिल्डिंग में, हॉस्टल बिल्डिंग में, लैब बिल्डिंग में, ट्रैश में से सभी बोटल्स उन्होंने कलेक्ट की, सॉल्यूशंस प्रिपेयर किया, डिसॉल्व किया, मतलब ये बॉटल्स वहां पिघल गई। करते करते दो ढाई महीने में वे एक प्रकार के सॉल्यूशन में इस प्रकार की बॉटल्स को पिघला, तो एक नैनो नॉन वोवन मेम्ब्रेन तैयार हुआ जो सीधा आप N95 मास्क जैसे क्वालिटी मास्क बना सकते हो। IIT स्टूडेंट्स ने उसको पेटेंट किया और एक चीप अफोर्डेबल N95 क्वालिटी मास्क मेड फ्रॉम वेस्ट मटेरियल समाज को मिला। तो सकारात्मक सोच क्या थी, बराबर है लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, हम बाहर नहीं जा सकते, लेकिन यहां बैठे बैठे भी क्या कुछ कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा अपने सभी रिसोर्सेस लगा के, संसाधन सभी लगा के, क्या मैं कुछ कर सकता हूं। अपने आप को हमेशा ये प्रश्न पूछते रहना, ये प्रश्न पूछना वो सकारात्मक सोच है। In the midst of crisis, in the midst of opposition, in the midst of opposing situations, still, can I work out my way? Can I do something? Can I help the society? Can I create? Can I track the path of success? ये सोच और ये उपलब्धि उसकी आपको सुखी कर सकती है। तो ये पेटेंट बनाई, सभी को अच्छे पैसे भी मिले, एक अच्छी प्रोडक्ट भी समाज को मिली, देखो जीवन में खुशी मिली। ये IIT स्टूडेंट्स को ये सकारात्मक सोच किस प्रकार की सुखी जीवन की कुची बनी, पहली बात अपने आप को संतोष मिला कि हम लॉकडाउन की परिस्थिति में भी ऐसे नहीं बैठे रहे, कुछ काम किया। दूसरा संतोष ये मिला कि एक अच्छी प्रोडक्ट बनाई, वो भी वेस्ट मटेरियल में से बनाई। तीसरा संतोष ये मिला कि समाज उपयोगी प्रोडक्ट बनाई। चौथा संतोष ये मिला कि गरीब व्यक्ति भी ये प्रोडक्ट खरीद सकता है, ऐसी बनाई, ये क्वालिटी प्रोडक्ट बनाई। और पांचवा संतोष ये मिला कि हम इसमें से एक पेटेंट बना के अपना नाम कमाया, पैसा भी कमाया। तो ये पांच बातें आप इकट्ठी कर लो तो ये जीवन सुखी होता है। तो सकारात्मक सोच वो जीवन में आपको खुशी लाती है, सकारात्मक सोच आपको प्रेरणाएं देती है,
सकारात्मक सोच आपके लिए रास्ते खोल देती है, तो कठिन परिस्थिति में भी आप कार्य करके सफल हो सकते हैं। एक बार 2008 में फ्रांस के शहर पेरिस में दो मित्र साथ में आए थे। एक शनिवार शाम को भोजन के लिए एक मित्र अमेरिका से आया था, दोनों मित्र तो थे लेकिन 4-6 महीने के बाद वो आया होगा पेरिस, तो चलो शाम को साथ में भोजन लेंगे। ऑटो पे गए, 1-1.5 घंटे तक सब साथ में बैठे भोजन किया। बाहर निकले तो वहां तो रिसेप्शन में बहुत बड़ी लंबी कतार थी। रिसेप्शनिस्ट को पूछा कि ये क्या है, रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि जो लोग अपनी गाड़ी से आए थे वे चले और जो कैब से आए थे टैक्सी से आए थे उनकी ये कतार है। तो पूछा कि क्यों भाई इतनी लंबी कतार, रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि बाहर पेरिस शहर में बर्फ वर्षा हो रही है और ये बर्फ वर्षा इतनी तेज है कि ट्रैफिक सब बंद है, गाड़ी कोई चलती नहीं है, कोई कोई गाड़ियां आती है तो ये सब स्ट्रैंडेड हो गए हैं, इंतजार कर रहे हैं। और रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि सर आप, तो उन्होंने कहा कि हम तो कैब से आए टैक्सी से, तो सर आप प्लीज कतार में ज्वाइन हो जाइए। कतार के पीछे जुड़ गए दोनों भाई, मतलब ये दोनों मित्र। और जिस तरह से कतार चलती थी लगा तो ये 2.5-3 घंटे के लिए तो यहाँ रुकना पड़ेगा। अब ये परिस्थिति का वर्णन मैंने आपको किया, आप इस जगह पे होते तो आप क्या करते, शायद आप व्हाट्सएप खोलते, कुछ काम पूरा करते, कुछ जवाब देते, कुछ ईमेल खोलते उसका जवाब देते, कुछ ठीक ही। आप कोई यंगस्टर होता तो क्या करता, शायद वो इतनी लंबी कतार के साथ घूम के एक सेल्फी ले लेता, अपलोड कर देता अपने सोशल मीडिया पे और 2-5 संवेदनशील मैसेज आ देते, ओ माई गॉड यू आर स्ट्रैंडेड, ओ माई गॉड दिस, ये वो पढ़ लेता, कोई न्यूज खोल के कुछ न्यूज देख लेता पढ़ लेता। ठीक है, कुछ आपने गलत तो ये सभी बातें नहीं की, कुछ अपना काम किया, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ लिए, ठीक है। लेकिन ये दोनों मित्र ने कुछ सकारात्मक सोच, वो क्या थी, इस प्रकार की परिस्थिति तो बर्फ प्रदेश में, मतलब यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिकन कंट्रीज में, कनाडा में हर साल हर ये मौसम में, सर्दी की मौसम में परिस्थिति का निर्माण होता होगा। इस परिस्थिति को क्या हम, इस परिस्थिति में लोगों को मदद रूप हो सकते हैं? कैन आई हेल्प द सिचुएशन, सकारात्मक सोच। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बात करना चाहता हूं, ये शेष प्रसंग बहुत आनंददायी है, बहुत प्रेरणादायी है। एक मित्र ने यह प्रस्ताव रखा कि हम क्या एक मोबाइल ऐप बना सकते हैं कि इस प्रकार के परिस्थिति में भी मदद रूप हो और सामान्य परिस्थिति में भी, अगर आपको आधे घंटे के बाद टैक्सी चाहिए तो आप ये मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हो, रजिस्टर करवा सकते हो और आपको भी उत्तर मिल जाता है कि आधे घंटे के बाद ये टैक्सी आप पे आपके घर पे आ जाएगी, आपके स्थान पे आ जाएगी। टैक्सी का नंबर ये है, ड्राइवर का नाम ये है, ड्राइवर का मोबाइल नंबर ये है। इस प्रकार की कनेक्टिविटी डेवलप कर सकते हैं, डिजिटल कनेक्टिविटी बिटवीन द टैक्सी ड्राइवर एंड द कस्टमर, ताकि वो आधे घंटे के बाद उसको टैक्सी चाहिए तो अभी से रजिस्टर करवा के एक सिक्योर हो जाता है मन कि चलो आधे घंटे के बाद हमारे पास टैक्सी है। ये चर्चा करते रहे, दोनों टैक्सी थे, टेक्निकल चर्चा करते 2.5-3 घंटा ये चर्चा चली। तब उनकी बारी आ गई, टैक्सी लेके अपने अपार्टमेंट पे गए। दूसरे दिन ये यूएस वाला फ्रेंड यूएस चला गया, तो भी ये संवाद चालू रखा, ये विमर्श चालू रखा। 6 महीने के बाद उन्होंने ये मोबाइल ऐप डिजाइन की, लॉस एंजलिस में 2-3 गाड़ियों में रखी, सक्सेसफुल 25-50 गाड़ियों में रखी, सफलता मिली, 100-200-500 गाड़ियों में रखी, सफलता मिली। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब ये मोबाइल ऐप रोज 3 मिलियन, मतलब 30 लाख लोग इसका उपयोग करते हैं और राइड प्राप्त करते हैं। दुनिया के 65 देशों में ये मोबाइल ऐप चल रही है और ये मोबाइल ऐप के जरिए ये दोनों मित्र अबजोपति बन गए। मैं बात कर रहा हूं उबर की, मैं बात कर रहा हूं ये दोनों मित्र की जिसका नाम था ये उबर के संशोधक, उबर के मालिक, और उबर की वजह से अबजोपति बने, उसका नाम है ट्रेविस कैलेनिक और उनका मित्र मिस्टर गैरेट। ये है उबर टैक्सी की कहानी, उबर कैब की कहानी ये है कि वे फंस गए थे 2008 में बर्फ वर्षा में, वहां रोए नहीं, अपने आप को कोसा नहीं, सेल्फी निकाल के सिर्फ अपलोड करके टाइम पास नहीं किया,
सकारात्मक सोच कि इस प्रकार की परिस्थिति को क्या हम चैलेंज कर सकते हैं, भारी बर्फ वर्षा हो शहर में तो भी क्या टैक्सी मिल सकती है, क्या हम टैक्सी प्री बुक करवा सकते हैं मोबाइल में बैठे बैठे डाइनिंग टेबल पे टीवी देखते देखते टैक्सी बुक करवा सकते हैं। इस प्रकार के विचार चालू हो गए जब वे 2.5 घंटे की राह देखते हुए कतार में बैठे थे। इसको बोलते सकारात्मक सोच। तो वो सुखी जीवन की कुची कैसे बनी? देखो, दुनिया को एक बहुत बड़ी भेंट दे दी कि मोबाइल ऐप में से आप टैक्सी बुला सकते हो। कितनी सुविधा हम सबको मिल गई। हम बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, यहाँ उबर, उसके बाद ओला आई, कई प्रकार की ये आई कैब, तो कितनी सुविधाएं प्राप्त हुई, हमारे सभी का टाइम कितना बच गया। तो ये बहुत बड़ी बात बने और वे भी अबजोपति बन गए। कितनी बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। आज देश प्रदेश में हजारों लोग इस उबर और ओला में ड्राइवर के रूप में काम करते हैं और अपने जीवन की कमाई प्राप्त करते हैं, अपने परिवार के लिए कमाई करते हैं। और इसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई इन्वेंटरी नहीं है। उबर एक भी टैक्सी का मालिक नहीं है, फिर भी देश प्रदेश में लाखों गाड़ियां उबर के नाम से चलती हैं। उबर कंपनी एक भी टैक्सी का मालिक नहीं है, सिर्फ मोबाइल ऐप बनाई। तो देखो, ये सकारात्मक सोच कि परिस्थिति और संजोग तो प्रतिकूल है, लेकिन इसके बीच उसको चैलेंज करके क्या मैं कुछ कर सकता हूं? तो इस प्रकार की सोच से आप परिस्थिति और संजोग में भी स्थिर रहते हैं। देखो, हम तो क्या होते हैं, छोटी छोटी बात में तकलीफ में आ जाते हैं। अब शायद मैं 5-7 मिनट में मैं अपना प्रवचन पूरा करूंगा। छोटी छोटी बात में हम तनाव में आ जाते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, वो देर से आया, वो अभी तक क्यों नहीं आया, उसने मुझे कहा थी शाम को 5 बजे फोन करूंगा, 6 बज गए, फोन क्यों नहीं आया। छोटी छोटी बातें होती है, तनाव में आ जाते हैं। लेकिन महापुरुष ऐसे होते हैं, ऐसे क्रांतिकारी व्यक्तियां होती हैं। मैंने आपको प्रमुख साईं महाराज की बात बताई, मैंने आपको IIT स्टूडेंट्स की बात बताई, मैंने आपको ट्रेविस करने उबर के मालिक की बात बताई। ऐसे महापुरुष छोटी छोटी बातों को तो अपने दिमाग पे लेते ही नहीं है ताकि नेगेटिव एनर्जी अंदर ना आ जाए। प्रमुख साईं महाराज एक बार न्यूयॉर्क में थे, जिस कमरे में बैठे थे मुलाकात कक्ष में, वे कमरा छोटा था। किसी ने कहा कि स्वामी ये कमरा बहुत छोटा है। प्रमुख स्वामी महाराज क्या बोले कि छोटा कमरा अच्छा। क्यों? बिजली कम जलती है, इलेक्ट्रिसिटी कम यूज होती है। सकारात्मक सोच ना। 1 हफ्ते के बाद प्रमुख स्वामी महाराज कनाडा में थे, टोरंटो में। वहां कमरा जरा बड़ा था, मुलाकात कक्ष बड़ा था। उसी व्यक्ति ने प्रमुख स्वामी महाराज को कहा कि स्वामी इस प्रकार की बड़ा कमरा, इस प्रकार के मुलाकात कक्ष बड़े चाहिए। प्रमुख स्वामी महाराज क्या बोले कि हाँ, बड़ा कमरा है वो अच्छा है, ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। पता चला, छोटा कमरा भी अच्छा, बड़ा कमरा भी अच्छा। ऐसे महापुरुष अपने ध्येय से कभी विचलित नहीं होते हैं, सकारात्मक सोच की दृष्टि से, उनकी वजह से वो हमेशा सकारात्मक रहते हैं, क्योंकि वे अपने कार्य के लिए परिस्थिति और संजोग के ऊपर आधारित नहीं होते हैं। कमरा छोटा हो तो मेरे से कम काम होगा, कमरा बड़ा होगा, व्यवस्था अच्छी होगी तो अच्छा काम होगा। नहीं, काम तो मुझे करना है ना, दिमाग तो मेरा है ना, शक्ति तो मेरी है ना, संसाधन तो मेरे है ना। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा छोटा कमरा अच्छा, बिजली कम जलती है, बड़ा कमरा अच्छा, ज्यादा लोग आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। सकारात्मक सोच, ये तो परिस्थिति और संजोग की बात की। अब व्यक्ति की बात करता हूं। व्यक्ति के साथ आप डील करते हो, बिगेस्ट डीलिंग इज पर्सन टू पर्सन डीलिंग। परिवारजन के साथ, मित्र के साथ, आपके सहकर्मचारी के साथ, सबसे बड़ा डीलिंग तो पर्सन टू पर्सन है, व्यक्ति से व्यक्ति का डीलिंग है। तो व्यक्ति से व्यक्ति का डीलिंग जो प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में से बहुत अच्छी तरह से ना, वे 4 मिलियन 40 लाख लोगों को व्यक्तिगत मिले हैं। प्रमुख स्वामी महाराज एक बार बेल्जियम में थे, वहां डॉक्टर शान के घर थे। डॉक्टर शान ने बताया कि स्वामी जी, मुझे आपसे एक, मेरे मन में कई महीनों से एक बात है,
मुझे थोड़ा सा तनाव दे रही है, वो बात मुझे आपको करनी है। फिर उन्होंने कहा कि स्वामी जी हम लोग किसी को मिलते हैं, उस व्यक्ति के परिचय में जब आते हैं तब उस व्यक्ति के नेगेटिव्स मतलब अवगुण को पहचान जाते हैं, फिर उस व्यक्ति के बारे में जब चर्चा निकलती है तब उसके अवगुण की चर्चा निकलती है, उस व्यक्ति को जब हम दूसरी बार मिलते हैं तब वही ग्लास पहन लेते हैं कि ये व्यक्ति में ये नेगेटिव्स हैं। लेकिन आप जो हैं देश प्रदेश घूमते हैं, हजारों लोगों को मिलते हैं, लेकिन हमने देखा है कि किसी व्यक्ति ने आपके पास निष्कपट भाव से या आप उनके अवगुण जानते हो तो भी आप उस व्यक्ति को प्रेम से मिल सकते हो, आप उस व्यक्ति के दुर्गुण जानते हो तो भी उसके साथ प्रेम से मिल सकते हो, वो कैसे संभव है? आपके चेहरे पे किसी को भी मिलते वक्त आपके चेहरे पे कभी हमने इस प्रकार का भाव नहीं देखा है, उस व्यक्ति के प्रति कोई कुभाव नहीं देखा है। तब प्रमुख साईं महाराज ने कहा कि देखो अब ध्यान से सब सुनना है, पूरे माहेश्वरी समाज और जो भी अभी प्रेक्षक में बैठे हैं सब ध्यान से सुनना, ये बहुत 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 सुवर्ण बात है, सोने की बात है जो भी मैं करने जा रहा हूं, क्योंकि हम परिवार जन के साथ रहते हैं, उनके साथ डीलिंग होता है, मित्र में कसा कर्मचारी के साथ। प्रमुख साईं महाराज क्या बोले, मैं उनको शब्द उनकी बात आपके पास रखता हूं। प्रमुख साईं महाराज ने कहा कि जिस व्यक्ति के साथ आपको लंबे समय तक रहना है, कई व्यक्तियों के साथ जीवन भर रहना है, जिस व्यक्ति के साथ आपको नित्य काम करना है, इतने जो व्यक्ति है वो 5 हो 10 हो 15 20 25 हो, नक्की है उनके साथ रहना है जीवन में और नक्की है उनके साथ ही काम करना है, तो फिर उस व्यक्ति के जीवन में उस व्यक्ति में 99 अवगुण हो तो भी मत देखना, एक गुण हो उसके सामने दृष्टि रखना, तो ही उस व्यक्ति के साथ आप रह पाएंगे, तो ही उस व्यक्ति के साथ आप काम कर पाएंगे। कितनी बड़ी अच्छी सीख, जिस व्यक्तियों के साथ आप रहते हो, जिस व्यक्ति के साथ आप काम करते हो उसके अवगुण ही देखते रहेंगे कि वो ऐसा है वो ऐसा है वो ऐसा है, तो आपको उसके साथ रहने में मजा नहीं आएगा, आपको उसके साथ काम करने में कोई खुशी नहीं आएगी, आपको उसके गुण ही देखने पड़ेंगे कि वो पुरुषार्थी है परिश्रमी है वो समय पे आ जाता है, कोई भी ऐसा अच्छा गुण हो उसी के सामने दृष्टि रखनी पड़ेगी, ये प्रैक्टिकल है वास्तविक है, तो आपका जीवन सुखी बन सकता है। ये सुखी जीवन की कुंजी है कि जिस व्यक्तियों के साथ काम करते हो उस व्यक्ति के प्रति सकारात्मक सोच, क्या कि 99 अवगुण नहीं देखना, अगर उसमें हो एक गुण है उसके प्रति दृष्टि रखते हुए आप उसके साथ काम निपट लो, उसके साथ जीवन निपट लो, ये सकारात्मक सोच, तो आप जीवन में सुखी हो जाएंगे। अगर ये सकारात्मक सोच आपने नहीं रखी तो जब भी आप उस व्यक्ति के साथ बात करते होंगे, जब भी उस व्यक्ति को मिलते होंगे, तब आप में तनाव आ जाएगा, पुराने प्रसंग याद आने लगेंगे, पुराने जो अनुभव हैं वो आपको पीड़ने लगेंगे, वो सब भूलना पड़ेगा सकारात्मक सोच से, उसको बाजू पे रखते हुए उस व्यक्ति में सद्गुण है वही देखना पड़ेगा, एंड दैट इज ऑल्सो अ ह्यूमन डिग्निटी, तो ये भी एक बात है सकारात्मक सोच में। अंतिम बात ये करना चाहूंगा कि भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति हमेशा रखना, भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति रखेंगे तो आपके विचार में सकारात्मकता आपकी भावनाओं में रुजुता आएगी, क्योंकि ये भगवान का सर्जन है, और सबसे बड़ी सकारात्मक सोच आपके जीवन में होगी। अब तक का जो प्रवचन मैंने किया अभी तक द आइसिंग ऑन द केक अभी आता है, सबसे बड़ी सकारात्मक सोच क्या है, अब ध्यान से सुनना, हर शब्द बहुत मूल्यवान है। सबसे बड़ी सकारात्मक सोच जीवन की क्या है, यह है कि मेरे जीवन में आज तक जो प्रसंग बने हैं, अभी जो बन रहे हैं और आगे जो बनेंगे, भगवान की इच्छा से बनते आए हैं, मेरे अच्छे के लिए बने हैं, और इस विचारधारा में इस अभिगम में रखूंगा
तो ये सभी प्रसंग मेरी प्रगति, मेरी सफलता का कारण बने। ये सबसे बड़ी सकारात्मक सोच है। Whatever has happened in my life so far, whatever is happening, whatever will happen, happens with the wish of God, happens for my good. And if I keep that attitude, it will happen for my progress and success. Positive ही लेना, जो कुछ भी बनता है positive ही लेना। A pat is inspiration, a slap is a teaching. Positive, कोई प्रशंसा करे तो वो भी एक प्रेरणा है कि चलो आगे और बढ़िया काम करेंगे। कोई चांटा मारे तो वो भी सकारात्मक लेना कि चलो बूंद है सुधराएगी। हा या ना? A pat is good, a slap is also good. ये सकारात्मक सोच है। ये सोच भगवान में श्रद्धा से आती है कि भगवान ने इनको प्रेरणा दी, मुझे प्रशंसा दी, भगवान ने इनको प्रेरणा दी, मुझे चांटा मारा, मुझे गाली दी। द स्टोन्स थ्रोन एट मी, अंग्रेजी में बहुत अच्छी कहावत है, मुझे बहुत प्रिय है, आपसे शेयर करता हूं। द स्टोन्स थ्रोन एट मी, आई विल नॉट क्रिएट अ वॉल बाय इट, आई विल क्रिएट अ ब्रिज एंड क्रॉस ओवर। मेरे पर जो पत्थर फेंकते हैं उस पत्थर से मैं उसको या मैं दीवार नहीं बनाऊंगा, रुकावट पैदा नहीं करूंगा, उस पत्थर से मैं एक अच्छा ब्रिज बनाऊंगा ताकि मैं उस पार जा सकूं। एक इतनी बड़ी अच्छी सकारात्मक सोच है। पत्थर को उठा के जिस पत्थर आपके सामने फेंकते हैं उस पत्थर को उठा के आप वापस भी फेंक सकते हो, उस पत्थर से आपको जो तकलीफ हुई है उस पर आप रो भी सकते हो, उस पत्थर से दीवार भी बना सकते हो ताकि आप और तो कुछ नहीं क्या दो जाओगे उस दीवार के पीछे, लेकिन सकारात्मक सोच वाला उस पत्थर से ब्रिज बनाता है और पार करके उस तरफ जाते हैं। महापुरुषों के जीवन शैली है, महापुरुषों की जीवन शैली यही है। जिसको स्वप्न देखने में आनंद आता है उसको रात छोटी लगती है, और जिसको उस स्वप्न को साकार करने में आनंद आता है उसको दिन छोटा लगता है। सकारात्मक सोच वाले को दिन छोटा लगता है क्योंकि उसको अपने स्वप्न को साकार करना है। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मैंने आपको कोट करके बताया। डॉक्टर कलाम साहब ये कहते थे, बहुत अच्छी बात करते थे, कितनी बड़ी सकारात्मक सोच। वे भी कहते थे कि ड्रीम्स आर नॉट दोज विच यू सी इन योर स्लीप, ड्रीम्स आर दोज which does not allow you to sleep. सकारात्मक सोच, प्रेरणा, सकारात्मक अभिगम और बहुत बड़ा कार्य। तो ऐसे महापुरुषों के जीवन में ये बात होती है। तो मैंने ये चार पांच बातें आपको बताई, ये सकारात्मक सोच क्या है। फिर से एक मिनट में हम रिकलेक्ट कर लेते हैं। सकारात्मक सोच मतलब पहली बात हमने की थी प्रॉस्पेरिटी थिंकर, नॉट अ पॉवर्टी थिंकर। दूसरी बात हमने ये कही थी, वेयर कैन आई मेक अ स्मॉल पॉजिटिव चेंज सो दैट आई कैन बेटर फिट माय इकोसिस्टम। तीसरी बात हमने ये कही थी कि संजोग और परिस्थिति से मैं दब नहीं जाऊंगा, इसके बीच में खिल उठूंगा। आईआईटी मंडी के स्टूडेंट्स की बात मैंने आपको, उबर का सर्जन कैसे हुआ था, ट्रेविस कैलेनिक ने कैसे किया था किस परिस्थिति में, उसकी स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की। चौथी बात यह की थी कि परिस्थिति और संजोग सभी कुछ सकारात्मक लेना। प्रमुख स्वामी महाराज ने छोटे कमरे को भी अच्छा कहा, बड़े कमरे को भी अच्छा कहा। गाली देने वाले हो, पत्थर फेंकने वाले हो, उससे भी सर्जनात्मक कार्य हो सकता है। इस प्रकार की प्रेरणा इस महापुरुषों के जीवन से मिलती है, वो बात मैंने आपसे शेयर की। और अंतिम में भगवान के प्रति ये बड़ी श्रद्धा एक वाक्य में, मेरे जीवन में जो भी प्रसंग खड़े हुए हैं वो भगवान की इच्छा से हुए हैं, मेरे अच्छे के लिए हुए, मेरे मुझे पुरुषार्थ और अभिगम अच्छे रखते हुए इस परिस्थिति से बाहर निकलना है। लेकिन मैं रोने नहीं लगूंगा, मैं बैक नहीं जाऊंगा, मैं पीछे कदम नहीं भरूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, आई एम बॉर्न टू विन। ये वाक्य से मैं पूरा करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप सभी अपना माइक म्यूट ही रखना, आप सभी अपना माइक म्यूट ही रखना, अनम्यूट मत करना, लेकिन मेरे साथ आप ये वाक्य रिपीट करें,
I am born to win. Again, I am born to win. तीसरी और आखिरी बार, I am born to win. बहुत आभार आप सभी का, आपने श्रद्धा से धैर्य से पिछले करीबन 50 मिनट मुझे सुना, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और पूरे माहेश्वरी प्रगति मंडल के सभी सदस्यों के लिए हमारी प्रार्थना है, हमारे इष्टदेव भगवान स्वामी नारायण, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, हमारे गुरुहरि प्रमुख स्वामी महाराज और हमारे प्रकट गुरुहरि महंत स्वामी महाराज के चरणों में हम आप सभी के लिए, आप सभी परिवारजनों के लिए, आप सभी के कर्मचारी दल के लिए, सभी के लिए और आप सभी सेवा भावी व्यक्तियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में हर हमेशा सकारात्मक सोच रहे, ताकि आपके जीवन को आप उन्नत कर सके, आपके जीवन में आप खुशी प्राप्त कर सके, आपके जीवन में बहुत बड़ा आनंद आप प्राप्त कर सके और अपना जीवन बेहतरीन बना के समाज को एक, जैसे श्री राम जी तापड़िया ने अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखते हुए समाज को बहुत कुछ अच्छे विचार दिए, बहुत कुछ आपके समाज को प्रगति करवाई और समाज के सभी प्रश्नों के हल एक उत्तम विचारधारा में है, इस प्रकार का धड़ाव आपके मन में जो करवाया, इस प्रकार के जीवन हम सभी को जी सके, ऐसी प्रार्थना। थैंक यू वेरी मच, प्रेयर्स फॉर यू, माय हार्टिएस्ट प्रेयर्स फॉर ऑल ऑफ यू। जय स्वामी नारायण। स्वामी जी, विथ योर परमिशन, अगर 10-1 मिनट के समय में 2-3 प्रश्न कोई पूछना चाहे तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं स्वामी जी से पूछ लूंगा, उसका स्वामी जी उत्तर देंगे। जरूर जरूर करेंगे। It has been an amazing talk show. प्रश्न कुछ आ रहे हैं, बट मीनवाइल मैं चाहूंगा रमेश जी, दो एक प्रश्न आपके पास आए हुए हैं तो आप वो पूछ सकते हैं। धन्यवाद अजय जी, सबसे पहले तो स्वामी जी के चरणों में वंदन। इतना शानदार खूबसूरत शब्द कम पढ़ते हैं, आपका जो आशीर्वचन मिला, आपका जो मार्गदर्शन मिला जीवन जीने के प्रति, ये खूबसूरती आई एम बाउंड टू विन, हम लेकर के रहेंगे निश्चित रूप से। समृद्धि, बदलाव, दृढ़ निश्चय, परिस्थितियां और संजोग, व्यक्ति के गुण जो हमारे साथ रहता है और भगवान के प्रति आस्था, इन शब्दों को, इन वाक्यों को, इन मार्गदर्शन को निश्चित रूप से जीवन में धारण कर करके हम आपके बताए मार्ग पर चलने का एक सुंदर प्रयास करेंगे ही करेंगे। छोटा कमरा, बड़ा कमरा, ड्राइवर या गाड़ी, मंदिर जिस तरह की स्थापना और उसमें आई हुई बाधा और उसके बाद में दृढ़ निश्चय की बात, मास्क बनाने की बात और उबर ऐप की बात, आपने वाकई छोटी छोटी बातों में इतनी सारी बातें जीवन को दी है, उन्हें मैं आपको प्रणाम करते हुए, हम सभी की ओर से आपका निश्चित रूप से नमन, आपका प्रणाम करते हैं। भविष्य में भी आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा ऐसी हम आशा रखते हैं। एक प्रश्न जो मेरे पास में आया है स्वामी जी, वो ये आया है, वाई हैज गॉड नॉट मेड अवर लाइफ इजी, वाई हैज गॉड नॉट मेड अवर लाइफ इजी। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्यों नहीं बना? प्रश्न आया है, व्हाई हैज गॉड नॉट मेड अवर लाइफ इजी। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, और अगर लाइफ इजी होती तो आप लेजी बन जाते, आप कमजोर बन जाते हैं, आप आलसी बन जाते हो, शरीर और दिमाग में कई प्रकार के रोग घुस जाते हैं। भगवान को जो अपना श्रेष्ठ क्रिएशन है पूरी सृष्टि में, सबसे श्रेष्ठ सर्जन भगवान का है, वो मनुष्य है, मनुष्य सबसे श्रेष्ठ सर्जन, अपने श्रेष्ठ सर्जन को वो बर्बाद करना नहीं चाहते। अगर जीवन इजी कर देते तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाता। भगवान की इच्छा है कि हम मेहनत करें, भगवान की इच्छा है हम संघर्ष करें, भगवान की इच्छा है कि मैंने मनुष्य के दिमाग और हृदय में बहुत सारी एनर्जीज, टैलेंट्स, स्किल्स ये सब रखिए, वो बाहर आए। भगवान की इच्छा है कि हम परिस्थिति और संजोग के सामने टिके रहे। अगर हमारा जीवन इजी होता
तो ये कोरोना आता तो हम सब कुछ मर जाते, लेकिन हमने संघर्ष किया, मास्क बनाए, पीपीज बनाई, वैक्सीन बनाई, भारतवर्ष में पहली बार वैक्सीन बनी, हमने वैक्सीन बनाई, तो कोरोना के सामने संघर्ष किया, तो हमारी कई प्रकार की शक्तियां, भावनाएं और विचार बाहर आए। अगर लाइफ इजी होती तो हम सेवा नहीं कर पाते, तो हजारों लोग मर जाते। अगर लाइफ इजी होती तो हम इतना वैज्ञानिक संशोधन नहीं कर पाते, वैक्सीन नहीं बना पाते, तो भी लाखों लोग मर जाते। तो परिस्थिति और संजोग के सामने टिकने के लिए भगवान ने हमारे अंतर में मेहनत, पुरुषार्थ, परिश्रम की एक का एक बड़ा सद्गुण रखा है, वो बाहर लाने के लिए जीवन में संघर्ष पैदा किया है। इन शॉर्ट, यू डोंट वॉन्ट टू स्पॉइल योर बेस्ट क्रिएशन। गॉड डजंट वॉन्ट टू स्पॉइल हिज बेस्ट क्रिएशन द मैन बाय मेकिंग हिज लाइफ इजी। ही वॉन्ट्स द बेस्ट क्रिएशन टू ग्लो, टू फ्लो, to like a flower open up, and that is why he has made our life tough. Thank you. Swamiji, ek prashna hai, is everything pre-written or is something in our hands? Both. The one word answer to your question is both. Main abhi samjhaunga kaise. Hamare jo purva karma hote hain us mutabik hamara bhagya ka ghanak. भगवान का एक कर्तव्य है, एक सिस्टम चलती है कि कर्म के अनुसार आपकी डेस्टिनी बनती है। लेकिन भगवान ने हमें बुद्धिमत्ता दी है, पुरुषार्थ करने की ताकत दी है, तो भगवान ने यह भी कहा है कि अपने पुरुषार्थ से, सद्विचार, सद प्रवृत्ति, सद्भावना से, सद अभिगम से आप अपना भाग्य बदल सकते हो। ये शास्त्र कथित अभिप्राय है। भगवान स्वामी नारायण ने यह बात अपने वचनामृत में लिखी है कि तीन बातों से आपका जीवन चलता है, प्रारब्ध, पुरुष प्रयत्न और ईश्वर इच्छा, ईश्वर कृपा। तो कई प्रसंग आपके जीवन में आपके पूर्व निर्धारित होते हैं, वे बनने बनने ही हैं, लेकिन आप पुरुषार्थ और सदमति से, एथिकल वर्किंग और एथिकल लिविंग से आप अपना भाग्य बदल सकते हो। यह स्कोप भगवान ने ओपन रखा है, ये स्पेस भगवान ने ओपन रखी है। और तीसरी बड़ी बड़ी बात बन जाती है, महापुरुष के आशीर्वाद, भगवान के आशीर्वाद तो आपके भाग्य में ना हो तो भी आपको मिल सकता है। तो ये तीन शब्द आप याद रखना इस प्रश्न के उत्तर में, प्रारब्ध, पुरुषार्थ और कृपा। ये तीन से हमारे जीवन में प्रसंग बनते हैं, तीन में से एक से बनते हैं, दो के कॉम्बिनेशन में बनते हैं, तीन के कॉम्बिनेशन, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चलते रहते हैं, वो हमारे बुद्धि बल के बाहर की बात है, बियॉन्ड द कैन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। लेकिन सब कुछ पूर्व निर्धारित नहीं होता है। मनुष्य हर हमेश अपने नीतिमय पुरुषार्थ से, भगवान की कृपा से, भगवान के प्रति भक्ति से अपना भाग्य बदल सकता है। थैंक यू रमेश जी, आपके अस्पताल प्रश्न एक आखिरी प्रश्न है, हाउ टू बी पॉजिटिव इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। वही तो बात 50 मिनट तक मैंने कही आपको, फिर भी एक प्रश्न आया है तो उनको रिकॉर्डिंग सुनने के लिए कह देंगे तो फिर आंसर मिल जाएगा। आपको देखते रहेंगे तो ही अपने आप पॉजिटिविटी आ जाएगी, इतनी देर से मैं वही कर रहा हूँ। नहीं, बट आई एम जस्ट जोकिंग, बट आई विल गिव अ शॉर्ट आंसर, अ ब्रीफ आंसर टू दिस क्वेश्चन एज वेल। How can we be positive under all circumstances? तो उसमें मुख्य विचार ये रखना है, जो तीन विचार प्रमुख साईं महाराज ने लंदन में मंदिर बनाना था उस वक्त हमें दिया, ये तीन विचार जो मैंने आपके सामने पेश किए थे। प्रथम, जो भी परिस्थिति संजोग का गठन हमारे जीवन में होता है, कोई व्यक्ति आती है जीवन में, मनपसंद व्यक्ति आती है जीवन में, मनपसंद व्यक्ति नहीं भी आती है, मनपसंद व्यक्ति आने के बाद जीवन में से चली जाती है, सब कुछ बनना संभव है, सभी के जीवन में बनता है, आपके जीवन में भी बना होगा या बनेगा, बनता है। तो पहला विचार क्या है पॉजिटिविटी में, जैसी भगवान की इच्छा, बाय दिस यू कैन रिमेन पॉजिटिव इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। दूसरी बात, इस परिस्थिति और संजोग के सकारात्मक निर्माण में
मैंने अपना पुरुषार्थ कर लिया है, मैंने अपने सभी संसाधन काम में लगा दिए, अब अगर नतीजा मुझे नहीं मिला तो मैं स्वीकार कर लेता हूं शायद मेरे भाग्य में ये बात नहीं, लेकिन मैं तनाव में नहीं आ जाऊंगा, दूसरी बार प्रयत्न करूंगा। प्रमुख सही महाराज ने हैरों में से निस्टल गए, वहां मंदिर बनाया, और तीसरी बार डिटर्मिनेशन, तय किया है, नक्की किया है, सोच के किया है, अब करना तो है। एक रास्ता बंद हुआ, दूसरे रास्ते पे चलेंगे। बस अभी थोड़ी देर, रास्ता 5 मिनट 10 मिनट बस, बाद में जो है। सॉरी स्वामी जी, बोलिए। स्वामी जी आप म्यूट हो गए हैं। हाँ, आपने म्यूट किया था, हम तो नहीं कर सकते, वहां से सिस्टम में से होता है। सॉरी तो हाँ, आप जब अनुमति देते तब अनम्यूट हो सकते हैं। तो कहने की बात ये, तीसरी बात डिटर्मिनेशन, एक रास्ता बंद हुआ दूसरे रास्ते पे चलना शुरू कर दो, दूसरा रास्ता बंद हुआ तीसरा रास्ता ढूंढ लो। अंग्रेजी में इसके लिए बहुत अच्छी कहावत है, Until I can run, I will run. When I can't run, I will walk. When I can't walk, I will crawl. But I will not stop moving ahead. ये भावना से, ये निर्णय से, डिटर्मिनेशन से आप हर परिस्थिति में पॉजिटिव दे सकते हो, यह आपके प्रश्न का उत्तर है। थैंक यू। और कोई प्रश्न नहीं है? रमेश जी आप आगे। पुनः पुनः स्वामी जी को नमन करता हूँ, बहुत सुंदर मार्गदर्शन, प्रारब्ध पुरुषार्थ और कृपा तीनों की बात समझ में आती है, बहुत सुंदर ढंग से इन सब चीजों का विश्लेषण, और जीवन को क्यों नहीं इजी बनाया ये तो आपने बहुत ही सुंदर बताया। इजी होते तो लेजी हो जाते, और लेजी होते तो शायद मरी जाते, ये बड़ा 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 सुंदर वाक्य आपने दिया। तो बिल्कुल एक ही वाक्य में ये बात समझ में आ गई कि जीवन को जीना है लेजी होकर के नहीं, इजी होकर के नहीं। बहुत खूबसूरती से सकारात्मक सोच को पालते हुए अब हम जीवन जिएंगे। कार्यक्रम को अंतिम दौर में ले जाते हुए आभार प्रदर्शन के लिए वैश्विक प्रकृति मंडल के मंत्री श्री प्रमोद जी देवपुरा से निवेदन करता हूँ। थैंक यू रमेश जी, मंडल अध्यक्ष श्री अजय जी, मंत्री, आज के सस्टम पुष्प में उद्बोधन हेतु पधारे स्वामीनारायण संस्था के जाने माने सामाजिक व आध्यात्मिक प्रवक्ता स्वामी डॉक्टर ज्ञान वत्सल जी, मंडल व न्यास मंडल के सभी पदाधिकारी, तापड़िया परिवार के सभी सदस्य, मंडल के सभी भूतपूर्व अध्यक्ष, न्यास मंडल एवं व्यवस्थापिका के सभी सदस्य, समाज बंधुओं एवं युवा साथियों, जय श्री कृष्ण। श्री श्री राम तापड़िया स्मृति कोष के अंतर्गत आयोजित इस वेबिनार के अंतिम चरण में आभार ज्ञापन हेतु आपके समक्ष मैं उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम आभारी हूँ आदरणीय स्वामी डॉक्टर ज्ञान वत्सल जी का, जिन्होंने सकारात्मक सोच सुखी जीवन की कुंजी विषय पर हमें अति सरलता से मार्गदर्शन दिया तथा हमारी जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। आभारी हूँ तापड़िया परिवार के सभी सदस्यों का, विशेष रूप से श्रीमती सुमन भाई तापड़िया एम श्री जयप्रकाश जी तापड़िया का, जिनके अपार स्नेह से हमें समाज कार्य में प्रेरणा मिलती रहती है। आभारी हूँ तापड़िया परिवार के बच्चों का, जिन्होंने ए मालिक तेरे बंदे हम गीत की सुमधुर प्रस्तुति की। आभारी हूँ श्रीमती वंदना मधुसूदन जी डागा का, जिन्होंने सुमधुर भजनों की प्रस्तुति कर एक अच्छा सा माहौल बनाया। आभारी हूँ श्री रमेश जी मर्दा का, जिनके सुंदर संचालन द्वारा ही इस आयोजन का स्वरूप अधिक आकर्षक हुआ। आभारी हूँ मैं मेरे सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का, जिनके मार्गदर्शन से यह कार्य का साकार हुआ। धन्यवाद देता हूँ आईटी समिति के संयोजक श्री विनेश जी बागड़ी व उनकी टीम को, जिनके कारण भाई जी की स्मृति में आयोजित आज का सस्टम पुष्प वेबिनार के माध्यम से सुचारू रूप से संपन्न हुआ। लास्ट बट नॉट लीस्ट समीर समाज बंधुओं का हार्दिक आभार, जिन्होंने आज के आयोजन में सम्मिलित होकर आयोजन को सफल बनाने में हमारा साथ दिया। आपकी भव्य उपस्थिति से ही ये कार्यक्रम सच्चे रूप से सफल हुआ। आभारी हूँ सभी कार्यकर्ताओं का एवं आयोजन समिति के सभी सदस्यों का, जिन्होंने इस आयोजन में सहयोग दिया। मंडल का आज का स्वरूप एक विशाल वट वृक्ष की तरह बना हुआ है।
मंडल की स्थापना के प्रारंभिक काल में जिन महानुभावों ने इसे सींचा है, इसमें अपना योगदान दिया है, उन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए आभार ज्ञापन समाप्त करता हूँ। एक बार पुनः आप सभी का आभार एवं धन्यवाद। जय महेश। पुनः स्वामी जी को धन्यवाद। धन्यवाद प्रमोद जी। समापन की ओर चल रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करूंगा स्वामी डॉक्टर ज्ञान वत्सल जी का। स्वामी जी की एक बात जो मुझे बड़ी हृदयंगम लगी और आप सबके सामने पुनः दोहराऊंगा, यो तो सारी बातें एक से ऊपर एक जो कि जीवन का मार्गदर्शन देती है, पर एक बात जो बहुत सुंदर लगी वो ये लगी स्वामी जी, और मुझे लगता है मैंने तो ये अभी सुनने के साथ ही ग्रहण कर ली, जीवन में जिन व्यक्तियों के साथ रहना है उन व्यक्तियों का कोई एक गुण तो ऐसा होगा, क्यों ना उस गुण को देखें और जीवन को सुंदर बनाएं। ये बहुत बहुत शानदार बात, और ये बात वाकई हृदयगम हुई कि जिनके साथ जीवन जीना है उनके अवगुणों को क्यों, उनके गुण को देखें। पुनः पुनः आपको आभार और नमन करता हूँ कि सुंदर मार्गदर्शन आज आपका मिला। एक कर्तव्य बनता है मेरा, ये जो स्मृति सेवा कोष है इसकी एक समिति बनी हुई है महेश्वर प्रकृति मंडल में, जिसके अध्यक्ष श्री अजय जी मंत्री, जो मंडल के अध्यक्ष हैं मंत्री श्री प्रमोद जी देवपुरा, और उन्हीं के साथ में समिति के सदस्य मंडल के वरिष्ठ पूर्व अध्यक्ष हैं श्री विष्णुदास जी धरक, श्री विष्णुदयाल जी सारडा, श्री बालकृष्ण जी मणियार और मैं स्वयं रमेश मरदा। हम सभी के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित करने का प्रयास रहता है। मंडल के सभी पदाधिकारीगण इस कार्यक्रम को आयोजित करने अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, उन सभी के प्रति भी मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ। आभार व्यक्त करता हूँ तापरिया परिवार के सभी गणमान्य सदस्यों का जो कि इस कार्यक्रम में बड़े हृदय से जुड़ते हैं। आभार व्यक्त कर रहा हूँ देश विदेश से आज जो महेश्वर समाज के हमारे बंधुजन जुड़े हैं इस कार्यक्रम को सुनने और समझने के लिए, आप सभी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। भाई जी को स्मरण करते हुए और जो कुछ आज स्वामी जी ने कहा है, मुझे कवि की कुछ पंक्तियाँ ध्यान पड़ रही हैं जो मैं आप सबको अर्पित करना चाहता हूँ। कुछ करना है तो डटकर चल, कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल, लीक पर तो सभी चलते हैं, नई राहें बनाकर चल। काम के मुकाम कैसा, बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, जब तक ना मिले मंजिल तो राह में आराम कैसा। लक्ष्य पर निशाना रख, लक्ष्य पर निशाना रख, मन में कोई संशय न कर, सोच मत साकार कर, सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर। जो करते रहते हैं इंतजार, जो करते रहते हैं इंतजार, उनकी जिंदगी में रहते झमेले हैं। जो करते रहते हैं इंतजार, उनकी जिंदगी में रहते झमेले हैं। जो चल पड़ते हैं लक्ष्य को साधने, जो चल पड़ते हैं लक्ष्य को साधने, उनके पीछे ही लगते मेले हैं, उनके पीछे ही लगते मेले हैं। ऐसे ही लक्ष्य को साधा भाई जी श्री श्रीराम जी तापड़िया ने, और तभी तो उनकी स्मृति में आज भी एक मेला लगा हुआ है, आज भी हृदय में उनका स्थान उसी तरह से बना हुआ है। पुनः पुनः आप सभी का आभार। महेश्वरी प्रकृति मंडल की परंपरा के अनुरूप इस प्रार्थना के साथ हम कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवति। पुनः आप सभी का आभार अभिनंदन प्रणाम। स्वामी जी को बारंबार नमन और प्रणाम। भविष्य में जब कभी भी हमें अवसर आप देंगे, हम पुनः आपके सेवाओं का, आपके आशीर्वचन का लाभ लेंगे। आभार आप सभी का। जय स्वामी। आप सभी के लिए प्रार्थना। थैंक यू वेरी मच। प्रेयर्स फॉर यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। अध्यक्ष महोदय अनुमति दीजिए।